शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जेंटलमैन, चाचा चैपलिन कहते थे, कॉमेडी इज ट्रेजेडी इन लॉन्ग शॉट। अब हमने चार्ली की ले तो ली लाइन, पर इस लाइन का हिंदी ट्रांसलेशन करना हमारे बस की बात नहीं। खैर, हमारी इस नई फिल्म की कहानी 15 साल पहले की है, यानी 1993, जब एक तरफ मजबूर मिडिल क्लास की नींद हराम हो रही थी और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर संसद में आराम से सो रहे थे। यहाँ बॉलीवुड में डबल मीनिंग की मीनिंगफुल फिल्मों का दौर था, उस तरफ ग्लोबलाइजेशन के नाम पे दुनिया एक हो रही थी और इस तरफ अपना इंडिया मंदिर मस्जिद के नाम पे टुकड़ों में बट रहा था। और फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड ने मिलकर 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई में भारी बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। हमारी ये लाइट फिल्म उस डार्क फ्राइडे के ठीक एक महीने पहले शुरू होती है, जब गोवा के पास एक छोटे से शहर सेंट लुई के समंदर किनारे फरवरी 93 में एक खतरनाक शख्स की शानदार एंट्री होती है। भाई भाई यहाँ पे, अरे डॉन भाई खुद सलाम। भाई ना, ना, ना।
भाई 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 लोग, अपन डॉन भाई का खास आदमी कयूम केबल मौत का लेबल कोई भी आवाज किया सीधा साला चाकू डाल के घुसेड़ देने का। भाई भाई चाकू में टाइम वेस्ट होगा, सीधा गोली घुसेड़ दूं। ए चाकू एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज है रे, ऐसे लहराया घुसाया टपका है, गोली में साला धमाका धुआं पॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। वी वांट इंडिया फ्री ऑफ पॉल्यूशन। अरे क्या चाहिए बच्चे? एक गन लाना। क्यों? आजकल बहुत दंगा होता है ना, इसके लिए बहुत डर लगता है। डर लग रहा है तेरे को दंगे से? ये लेके जा, AK-47 है समझा। ये दबाएगा ना धन धन गोली चलेगी, समझा। हाँ। नहीं समझा माँ को भेज, उसको समझा दूंगा। जय हिंद बोल और लेके जा, ये ले बोल जय हिंद, लेके जा। और स्कूल में रिसर्च में मत चलाना, समझ गया? जाओ फतेह करो। क्या चल रहा है मेरे नाटक के अंदर? नया नाटक क्या ये? ये रंगमंच है, कोई हिंदी फिल्म नहीं है कि ऐसे चिल्लाने लग जाओगे। सर सब तो ठीक जा रहा था, घंटा ठीक जा रहा था, इतना बड़ा डॉन है ऐसे चिल्लाएगा? थोड़ा खुन्नस में देखने का, सटल करने का। हमारा जो ये नाटक है पॉलिटिकल सटायर है, जागो इंडिया जागो। ये बोलेगा ना तो इंडिया सो जाएगा। तुमने कास्टिंग किया ये डॉन और मैं लोकल टपोरी? अबे अपनी लोकल टपोरी की एक एंट्री तो ठीक से करो। अभी क्या है ये, आ गए अकबर की तरह बदन पे शेरवानी और पेट में बिरयानी लेके ठुमकते हुए? एक बार और करते हैं। शाबाश। सुनो वो होम मिनिस्टर को फोन करके बोल देना कि बोल दूंगा कि दुबई से भाई का फोन आएगा ना तो ना तेरा होम रहेगा ना तेरी मिनिस्ट्री रहेगी, बोल दूंगा। सर जी ये तो मेरी लाइन है। हाँ मुझे पता है, मैंने तो लिखी है। देख बेटा इस तस्वीर में जो आदमी है ना तू इतना पावरफुल नहीं लग रहा है, यू नो जरा ढीला लग रहा है। ये मेरी फोटो है, फोटो से ही एक्टिंग करवा लो, इसको घर पे भेज दो। देखिए सर। नहीं मजूमदार ये गलत है। हाँ तुम्हारे अकेले से कुछ नहीं होगा यार, डायरेक्टर कौन है? आप एक ही है। नहीं नहीं ये रोज रोज की दादागिरी कैसे चलेगी आपकी? एक तो रोज हमारी ये लाइन चुरा लेते हैं, उसके बाद वही लाइन स्टेज पे जाके भूल जाते हैं। हो क्या रहा है? जमाली शबनम कहाँ है सुबह से? अरे मुझे क्यों पूछते हैं? देखिए आप मजुमदार साहब की वाइफ के बारे में मुझे मत पूछिए, वो खामखा मुझ पर डाउट करते हैं। अरे जमाल, अरे यार तू मेरे बच्चे जैसा है, तेरे पे डाउट करूंगा? और वो तो तेरी छोटी बहन के बराबर है, लेकिन है कहाँ पे तेरी बहन? शी इज चेंजिंग पर है, शी इज हॉट है। हॉट कहाँ मिली? फैशन स्ट्रीट से, 350 में। अरे ड्रेस नहीं शबनम, शबनम कहाँ हो? मेरा मेरा ऑन द वॉल, ए खूबसूरत कुछ तो बोल। शबनम मजूमदार, आज की मामूली स्टेज एक्ट्रेस और कल की होने वाली सुपरस्टार। कैमरा यहाँ तक आते आते पागल हो जाएगा। कैमरा तुझे पागल होगा तब होगा, मैं अभी से पागल हो रहा हूँ। ये क्या पहन रखा है? मेरा प्ले पॉलिटिक्स पे है, तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स पे नहीं है। दुबे जी जमाना बदल रहा है, ऑडियंस बदल रही है, आप भी थोड़े बदलो। मुझे नहीं बदलना है। चंपा कपड़े बदलो। है सबके सामने मरने के, तेरी इज्जत का गाड़ा फूट जाएगा। अपने नहीं मैडम के बदलो, कुछ सिंपल पहनाओ इन्हें। सिंपल पहनाओ फिर कहते प्ले क्यों नहीं चलता? तो प्ले चलाने के लिए ये जया जी के बाद जो हिंदी फिल्म्स में वैक्यूम है ना वो मैं ही भर सकती हूँ। ओए रब करे ऐसा ही हो। चेंज इट डार्लिंग, मान भी जाओ ना, इसमें तो तुम रोल और कपड़े दोनों में से बाहर निकली जा रही हो, प्लीज। ये बात एक पति पूछ रहा है या एक एक्टर? बीवी पूछेगी तो पति जवाब देगा, जब एक्ट्रेस पूछेगी तो भी पति ही जवाब देगा। ओके प्लीज ये पहन के जाओ। अरे डार्लिंग हमारा नाटक ना अंडर वर्ल्ड पे है, अंडर गारमेंट पे नहीं है। यू सो ओल्ड फैशन मंजू। चेंज करो
You are a good girl, na. I love you, na. Huh? I love you too. मैं यही पहनूंगी. दुबे जी, मैं सर्कल लेके एंट्री मारूं? जो मारना है मारो, मेरे प्ले की मत मारो यार. दुबे जी. करूं बेटा क्या है, तुम्हारी शक्ल मिलती है डॉन से पर तुम्हारी एक्टिंग नहीं. कभी जिंदगी में मर्डर वर्डर किया है कि नहीं? आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं लगूंगा भाई. अरे अभी अभी मैंने समंदर किनारे पे भाई की तरह एंट्री ली थी. आ हा हा हा, क्या रिस्पॉन्स था. कनु अपने रोल को समझो, यू आर अ डॉन. कभी देखा है असली अंडरवर्ल्ड कैसा होता है? जाके देखो अपने शहर में कयूम केबल को. इट्स मैडनेस. अपुन, अपुन कौन? कयूम केबल, मौत का लेबल. अभी बोलो इस एरिया में किस किस का प्रॉब्लम. लोचा लबाचा लफड़ा झगड़ा मान वाली बोलो रे भाई. मेरी बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई भाई. तो तू उसकी बीवी के साथ भाग जा. क्या भाई? चल जान दे जान दे. बोल तेरे पड़ोसी का नाम क्या? शुक्ला नाम का सरकारी ऑफिसर है भाई. केस नंबर शुक्ला. अबे वो तेरी बीवी को क्या दुनिया ही छोड़ देगा. जा, ये मटके में से एक चिट्ठी निकाल. तो विनायक देशमुख सावंतवाड़ी. विनायक देशमुख पास के गांव का एक वकील है. अच्छा, बहुत अच्छा आदमी है. ओहो, तो एक काम कर, उड़ा डाल उसे. ओके, ये मुझसे नहीं होगा भाई. भाई भाई भाई, खून, ये खून मुझसे नहीं होगा भाई. प्लीज भाई, ये मुझसे नहीं होगा. अपनी वाइफ को भी यही बोलता था, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा. रोज नहीं, कभी कभी. रोज नहीं, कभी कभी. सुन, तू रो मत यार. तू जा बिंदास भाई, ये काम कोई और कर लेगा. ऐसा नहीं भाई, मेरे से और खुद भी काम करवाए मैं करूंगा भाई, लेकिन ये खून भाई. ए किशन रुकना, पूरा नाम क्या बता रहे तूने अपना? किशन शर्मा. केस किशन शर्मा. ए चिकने, अभी तू निकाल चिट्ठी मटके में से, जिसका नाम निकले उसे कल उड़ा डालना, समझा ना? जी भाई. भाई ऐसा नहीं करना प्लीज भाई. भाई मैं जीना चाहता हूँ भाई, मुझे मत मारो भाई. अरे चालू बीवी के साथ जी के तू क्या करेगा रे? मैं तेरे को आजाद कर रहा हूँ. थैंक यू बोल, थैंक यू बोल, थैंक यू बोल. ए जीवी पाटिल, देख तेरे वहां से एनकाउंटर कर दिया, अभी थैंक यू बोल. भाई ये क्या है, ये शहर में जो नाटक कंपनी है ना, वो एक गंदा नाटक बना रहे. मतलब ये भाई लोग अंडरवर्ल्ड मिनिस्टर पुलिस वाले इनके ऊपर एक नाटक लिख रहे. ये क्या है, अपना जो डॉन भाई है ना उसके ऊपर भी गंदा नाटक लिख रहा है वो. ओके, पब्लिक को पेपर वाले को पता चलेगा ना, बात बढ़ेगी आगे. रोकना पड़ेगा ड्रामा. बोले तो एक डी कंपनी दूसरी डी कंपनी को हूल दे रही है. भाई डी कंपनी तो आपका ही है, दूसरा डी कंपनी कौन सा? अबे डी कंपनी बोले तो ड्रामा कंपनी रहे. देखना मांग तक कौन ये डे लोग हैं ये. भारत हमारी माता है, अंडरवर्ल्ड जिसका पिता है. जागो इंडिया जागो. देश में आजादी है पर चोरों ने पहनी खादी है. जागो इंडिया जागो. आज की ताजा खबर. गुड इवनिंग. हमारे नेताओं को इस हफ्ते हफ्ता नहीं मिला, अब सैलरी नहीं मिली क्योंकि भाई लोग सब छुट्टी पर हैं. चेक पे साइन नहीं हुआ ना. जागो इंडिया जागो. वर्दी खादी मशीन गन, भूल गए सब जनगण मन. सुनो एक बात सुनो, ये हमारी पुलिस जो है ना, ये हमेशा लेट क्यों आती है? जागो इंडिया. ये बंद करो, ये तुम लोग नौटंकी, तुम चाहे इच्छा का आवाज. कॉलर है नाटक कंपनी का इंचार्ज. अरे किसने लिखी ये लाइन जो मैं अभी अभी बोला? कौन है वो बदतमीज राइटर? मजुमदार क्या बात कर रहे थे, इट्स अ टीम वर्क. हम सबने कौन बना है नाटक? वो है आत्मराम दुबे, बहुत टैलेंटेड आदमी है. हाँ, उन्होंने लिखा है नाटक, उसके साथ बात करो ना. हम तो आर्टिस्ट. हम सबने लिखा है सर जी. अरे तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है अंडरवर्ल्ड के साथ? मेरे को बोलो ना, ईद में मैं मांडोली करेगा. ये दंगा फसाद रुकने दो, बाद में जितनी काला दिखानी है ना उतनी काला दिखाओ तुम लोग. ओ जी दंगे हम नहीं, पुलिस और पॉलिटिशियंस करवाते हैं. जय लती जय. नौटंकी एक बार बोला समझता नहीं कि अंदर डालू क्या सबका? नॉर्मल बनता है. सेंसर सर्टिफिकेट है क्या तेरे पास? सेंसर कला के लिए कैंसर है, हमें बोलने की आजादी है. 47 में मिली ना आजादी, अभी कितनी आजादी चाहिए, कितनी आजादी चाहिए. चलो चलो बंद करो नाटक, वरना बंद करवाऊंगा थिएटर.
भले हमारी जान भी ले लो, ये ड्रामा होके रहेगा। चलाओ गोली, चलाओ गोली। नहीं मेरी चिकनी, नहीं, तुम पे नहीं, तुम पे नहीं। वो किधर गया? मैंने, ये तो मेरी वाइफ ने कहा, मैंने नहीं कहा। चलो सब मिलकर बोलो, सरकार हमारी आवाज दबा नहीं सकती, सरकार हमारी आवाज आवाज दबा नहीं सकती, गला तो दबा सकते हैं ना। बंद कर अपने ये नाटक, भागो इंडिया भागो। ये देख तेरे जागो इंडिया जागो, जलो इंडिया जलो हो गए। ये देख तेरा नाटक तेरी आंखों के सामने जला, अभी दिखा तेरी कला। टू मच स्क्रिप्ट जला दी सालों ने। हेनरी किप्सन ने कहा है कि जो समाज आज किताब जलाता है, आगे चल के वो इंसान जलाता है, खासकर मेन रोल वालों को। मुझ जैसे कलाकार की तो इस देश में कदर ही नहीं है, समझे? तो आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, वहाँ आपके लिए सॉलिड चांस है वाइल्ड लाइफ में। हमारे मजाक का टाइम नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, कल शो अनाउंस किया हुआ है। और इस बार तो मेरा चेहरा भी था पोस्टर पे, आई एम श्योर सारी टिकट्स बिक गई होंगी। हाउसफुल। कुछ करना पड़ेगा। साल के पहले क्वार्टर में जो कमाई हुई है उससे एक क्वार्टर भी नहीं आएगा दादू का। दुबे जी, मंजू, एक रास्ता है। क्या? क्यों ना हम अपना हिट प्ले करें। हिट प्ले कौन सा? मुगले आजम। फिर से मुगले आजम? ओह यस यस, मुगले आजम, मैं फिर से बनूंगा शहंशाह अकबर। मुगले आजम रिहर्सल शुरू। कुणाल चंपा, हरियाणवी अंग्रेजी में डायलॉग ऐड मत करना, हर बार प्ले की बात लगती है। मजूमदार, नो लाउड एक्टिंग। क्या नसीब पाया है, कल बनने वाला था डॉन, आज बन गया सिपाही। हाँ कनू, जब से होश संभाला तब से हाथ में पकड़ा भाला। नमस्कार, कलाकार थिएटर कंपनी प्रस्तुत करती है अपना सदाबहार शाहकार मुगले आजम। साहिब आलम शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। सजदे में निगाह रहे। सिपाहियों, हमें हमारे दीवाने खास में तनहा छोड़ दिया जाए। तसलिया। पहरा कैबे फक ऑफ। अनारू वेयर आर यू? साहिब आलम, आफ्ताब की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन करती है, खुद आफ्ताब ने क्यों तकलीफ की? ताकि वो मेहताब में जस्प हो जाए, फना हो जाए। अनारू, जब तुम मुस्कुराती हो ना, तुम्हारे गुलाबी गुलाबी रुखसार तमतमा के सुर्ख हो जाते भाई। कि हम तुम्हारे पेशानी को चुम्मी तो दे दे। शहजादगी को रुस्वा मत कीजिए, आप आ कहाँ हैं? मैं कनीज। ओहो, लाइन मत मार। अनारू, कमरा, तुम्हारी लाइन है। अनार कली, हम तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का इकरार देखना चाहते भाई। क्या देखेंगे, कनीज की आंखों में सहमी हुई आरजू के सिवा और कुछ नहीं है। सलाम। ना अनारू ना, ऐसी मोहब्बत के नसीब में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। लेकिन कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। लेकिन अभी नहीं तो बाद में तो हो जाएगा, समझते ही नहीं हो। सुनाओ, क्या बात कर रही हो फूलों और कांटों की? है आइला, सबो सिर्फ एक ही बार गले मिलना था ना। दो बार मिलूंगी तो क्या प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? फिर भी जांच नहीं ले सकते ना। शट अप। आप प्यार किया तो डरना क्या, डिवोर्स के बारे में सोचा क्या? टची टची नॉटी। चली, हमारे होते हुए अनारकली तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अम्मी जान, आप किसकी तरफ है, औलाद के या फिर इस मगरूर शहंशाह की? शेखो, ये एक रापटा दूंगी कान के नीचे। ये मगरूर नहीं, ये मेरे मांग के सिंदूर हैं। भाई, I know that. What's new in that, है? Talk something new, भाई। अंग्रेजी सर,
भूल जाओ, इस दो टक्के की रक्का सब भूल जाओ। या अल्लाह, लिल्लाह, रहम जहां बना रहम। मेरा लेंस गिर गया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। का कॉन्टैक्ट लेंस गिर गया, क्या होगा अंधी अनारकली का? अभी ड्रेस ला मेरी। अनारकली, भूल जाओ सलीम को, वो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। और सलीम का मुस्तकबिल अनारकली का दिल है। क्यों सलीम? अरे मुझे छोड़ो, उसे वैसे भी मुझ पर डाउट है। तुम हो शहजादे? हरामजादे, कहाँ हो तुम? अनार, लगता है सलीम के प्यार में तुम अंधी हो गई हो। दिखाई नहीं देता क्या? मुझे नहीं दिख रहा, मेरा कॉन्टेक्ट लेंस गुम गया है। गैर मर्दों का कॉन्टेक्ट बंद कर तो सारे कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। ढूंढो, ढूंढो, घुटनों के बल आके ढूंढो। सिपाहियों, नामाकूल, परवरदिगार ने तुम्हें भी घुटने दिए हैं। आ जाओ घुटनों पे और ढूंढो, और कुचलना मत। जी हुजूर, जी हुजूर। मियां नारू के चश्मे कॉन्टेक्ट कहां गए? सेनापति मान सिंह पधार रहे हैं। अपनी एक्सिट भूल गई क्या? देखिएगा तो जाऊंगी ना। मिल गया। अच्छा, कहाँ? मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? अब शहजादे सलीम पे मेरा दिल गया। मेरा मेरा, do you know who's the young man in the first row? कौन है वो जो रोज रोज मुझसे मिलने आता है? होगा कोई बावला फैन। और के क्या बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, उनमें डूब जाने को जी चाहता है। ओ जी, उसकी आंखों में डूब गई तो समझो मजुमदार की आंखों में गिर जाओगी। आई लव मजुमदार, बट अभी देखो ना, अब कल ही मैंने उनसे कहा मजू लेट्स हैव सम किड्स, तो अकबर की तरह बोले बेगम तुम्हें सुहाग चाहिए या औलाद? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स औलाद, तो रूठ गए। वो सब छड़, यो के प्यार ठीक से करेगा ना तेरा मेथड एक्टर। प्यार? चंपा सुनना, सुहाग रात पे लाइट्स फुल ऑन रखी। मैं तो डर गई थी कहीं ऑडियंस को भी ना बुला लिया। लेकिन सुहाग रात पे शोज कितने हुए। कम ऑन चंपा, कौन है देखना? कौन है? मैं देखती हूँ कौन है। शबनम। एक मिनट, वो हैंडसम बावड़ा है, तुझे मिलना चाहता है, ये देख। एक काम कर चंपा, एक काम कर, उसको जाके बोल कि जैसे ही अकबर की एंट्री होगी और अकबर बोलेंगे चप चप सर जमीने हिंदुस्तान पर, उसको बोलना तब तब वो अपने कदम इस मेकअप रूम की तरफ बढ़ाए। जल्दी जा चंपा, जल्दी जा, जल्दी बोल, पूरे 5 मिनट का सीन है, उसको बोलना। ओए सुन, जब वो अकबर बावड़ा दूसरे सीन में जब जब सर जमीने हिंद पर ऐसा लंबा डायलॉग बोलेगा तब तू मेकअप रूम में आई हो। थैंक यू। जहाँ पना की आंखों में फिक्र, कल रात नींद नहीं आई। नींद? उन नैनन में नींद कहाँ, जिन नैनन में ख्वाब बसे हो मान सिंह। जब जब सर जमीन हिंदुस्तान की तरफ दुश्मन के कदम बढ़ेंगे तब तब, जब जब सर जमीन हिंदुस्तान की तरफ दुश्मन के कदम बढ़ेंगे तब 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 जहां बना तब तब मुगलिया सल्तनत हर खतरा उठा के खून का कतरा कतरा बहा देगी। डायलॉग बोलूं और कोई उठ के चला जाए, यानी मैं खत्म। हाय, I'm Shabnam. Hi Shabnam, I'm Arjun. तो तुम हो अर्जुन? क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? क्यों मिलना चाहता हूँ? क्योंकि 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 मैं एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, तुम अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो, मतलब तुम अच्छी और खूबसूरत एक्ट्रेस हो, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस। मिल लिए खुश? अब जाओ, यहाँ अजनबियों का आना अलाउड नहीं है। अजनबी कहाँ हूँ? मैं आपको आपसे ज्यादा जानता हूँ। सच, यू आर ब्यूटीफुल, वल्नरेबल, सेक्सी। बस बस, बहुत हो गया मेरे बारे में, अब कुछ अपने बारे में बताओ। आपको मुझ में और क्या क्या पसंद है? आप
आपकी अदा, आपकी आवाज, आपका एक एक अंदाज, आपकी पलक, आपकी एक झलक, सब कुछ। सच में मैं हर बार ड्रामा नहीं, आपको ही देखने आता हूं। ये मीठी मीठी बातें करने के अलावा और क्या करते हो लाइफ में? आपसे प्यार आप करोगे? शबनम रेडी? 5 मिनट। 5 मिनट? सिर्फ 5 मिनट? इतने में क्या होगा? वो सीन खत्म होने वाला है, तुम जाओ यहाँ से अब। लेकिन हमारा सीन शुरू हो रहा है ना। प्लीज जाओ। बोलो, मिलोगे कल मुझसे बीच पे? बीच पे आओगे? प्लीज जाओ ना। सुनो, रात को फोन मत करना। कैसे करूंगा, नंबर कहाँ पता मुझे? मैं क्यों बताऊं कि मेरा नंबर 4255 68 है? ओके, नहीं फोन करूंगा 4255 68 पर, प्रॉमिस। सब जान गया हूं मैं, सब जान गया हूं। क्या क्या कमी है मुझे? हाँ, मैंने कब कहा कि आप में कुछ कमी है? तो फिर कौन है वो आदमी? कौन? वही जो नाटक से बीच में उठ के चला जाता है, वो। छोड़ो ना मज्जू, होगा कोई, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दिया होगा या उसके दिल में दर्द उठा होगा। आई मीन हु केयर्स। हाँ, हार्ट अटैक आए और मरे, लेकिन मेरे थिएटर में नहीं, किसी ऑपरेशन थिएटर में जाके। उसको ऐसा कुछ नहीं होगा। किसे कुछ नहीं होगा? छोड़ो ना डार्लिंग, तुम क्यों खुद पे इतना डाउट करते हो? डोंट यू नो यू आर द बेस्ट? आई मीन इंडियन थिएटर में संजीव कुमार और बलराज सहनी के बाद एक तुम ही तो हो। यू आर द बेस्ट। लेकिन वो तो मर चुके हैं। सच्चा कलाकार कभी नहीं मरता। ये साले दुबे का फोन होगा, उसे कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। टेलिंग कर। हेलो। हाय शबनम, मैं अर्जुन। मजुमदार घर में है। मैंने कहा था ना कि मैं घर पे नहीं हूँ। आपके लिए नहीं डार्लिंग, मेरे लिए था। हाँ तो ठीक है। शबनम, याद है मैंने वो तुगलक नाटक किया था? क्या नाटक था, एक भी आदमी नहीं उठा था, एक भी नहीं। कल पता चलेगा। हाँ, जब जब सर जमीन हिंदुस्तान और वजन और वजन इंटेंस इंटेंस। हाँ, जब जब सर जमीन हिंदुस्तान पर, जब जब सर जमीन हिंदुस्तान पर दुश्मन के कदम बढ़ेंगे, तब तब जब ये भी जिले इलाही शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। जहां पना, आपकी आंखों में फिक्र, कल रात नींद नहीं आई होगी। नींद उन नैनन में, नींद कैसे जिन नैनन में ख्वाब बसे हैं। जब जब सर जमीन हिंदुस्तान की तरफ दुश्मन के कदम बढ़ेंगे, तब 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 कौन है ये दुश्मन जो हर रोज खुलेआम बगावत करता है? ओ संभालिए जिले इलाही, ओ संभालिए। उठ जाने के लिए टिकट खरीदता साहब। आगे के डायलॉग बोलो। जब जब, जब जब ऐसा होता रहेगा, तब तब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। नमस्कार दर्शकों से विनती है कि चलते हुए नाटक में उठकर ना जाएं, हमारे कलाकारों को बड़ी तकलीफ होती है। हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। साहिबे आलम, आफ्ताब की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन करती है, खुद आफ्ताब ने कैसे तकलीफ की ताकि वो मेहताब में जज्ब हो जाए, फना हो जाए। अनारकली, जब तुम मुस्कुराती हो ना, तब तुम्हारे गुलाबी गुलाबी रुखसार तम तमा के सुर्ख हो जाते भाई। देवी तुम रोजी क्यों लग रही हुई बीमार? छोड़ा।
German. What? German. Come on. German. Chalna. German. Kab? Jab pyar kiya to darna kya? Jab pyar kiya to darna kya? Pyar kiya koi chori nahi ki. Meri kali ka dil nahi toda, meri kali se muh nahi moda, love ke liye apna sab kuch choda. Pyar kiya koi chori nahi ki. Chup chup lai tumhe jeena kya? Jab tu. German. Man. German. Huh. Jab pyar kiya to darna kya? Jab pyar kiya to darna kya? Maan gaye mughle azam, ishq mein dooba ye alam. Maan gaye mughle azam, ishq mein dooba ye alam. Prem Nagar ka prince hai tu aur main ho rakasa. मैंने तुझको तूने मुझको नैनों में फंसा. German. क्या? German. वाह. German. आह. German. जा. इश्क का ये असर चखले ओ बेखबर, चखले ओ बेखबर. German. तीर चले तलवार चले यारों के बादशाह, अपना प्यार माशाल्लाह किसकी है परवाह. So what? German. Who cares? German. Uh-huh. Jab pyar kiya to darna kya? Jab pyar kiya to darna kya? Maan gaye mughle azam, ishq mein dooba ye alam. Maan gaye mughle azam, ishq mein dooba ye alam. शहर शहर और गॉसिप गली गली. German. Me. German. You. German. True. German. इश्क का ये नशा हर तरफ हर दिशा, हर तरफ हर दिशा. जंजीरें दीवारें पहरे always लगते रहे. We don't care कहकर पागल प्रेमी मिलते रहे. German. Man. German. Done. Jab pyar kiya to darna kya? Jab pyar kiya to darna kya? Main tu gali ka deewana meri yaar. Main tu gali pe apna dil gaya haar. Mughle 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 azam maan gaye mughle azam. Mughle 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 azam maan gaye mughle azam. German. जिले इलाही शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं. जा परा, आज भी आंखों में फिक्र. कल रात नींद नहीं आई होगी. जब 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 फूल खिले. जब जब जो जो होना है तब तब जो जो होगा. चीटिंग है यार. अरे बोलो ना. जब जब सर जमीन. जब जब जो जो होना है तब तब जो जो होगा. अबे जब जब सर जमीन है. कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि जब जब सर जमीन हिंदुस्तान पर दुश्मन के कदम. तुमको कौन बोला ये बोलने के लिए? डेढ़ श्याने क्यों बोला? जब 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 जब
क्यों बोल रहा हूँ? मोहब्बत के एक्सक्यूज मी, ओह गुस्ताख मोहब्बत, देख रहा हूँ तेरा रोज का नैन मटका, इसके लिए इधर नहीं उधर चल 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 चल। नहीं मुझे कुछ आया दुबे जी। हाय हाय हैंडसम, एक बार उठेगा, दो बार उठेगा, कितनी बार उठेगा कमीने? पान सिंह जी, लोग अगर ऐसे ही उठते रहे तो एक न एक दिन ये मुगल या सल्तनत भी उठ जाएगी। कुछ करो, कुछ करो। मजूमदार पागल हो गया है। बाकी था क्या? दुनिया एक स्टेज है, अगर ये सच है तो मुझे तो सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही किरदार दिखाई देता है और वो हो तुम। लेकिन शादीशुदा लड़कियों को और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। What? तुम शादीशुदा हो? नहीं। कह दो कि ये झूठ है। पर ये सच है। शबनम, शबनम, मजूमदार, मतलब अर्जुन कुछ करो। क्या करूं? तुमने किसी को आते हुए देखा यहाँ पे? डार्लिंग, मेरे प्रेमी के अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं है। कौन है तुम्हारा प्रेमी? मज्जू, तुम मेरे प्रेमी नहीं हो क्या? वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं कब से एक जवान आदमी का पीछा कर रहा हूँ? मेरे होते हुए आप एक जवान आदमी का पीछा कर रहे हैं? अब समझी कि आजकल आप उससे इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? Don't be silly, okay? ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा होगा ना तो you'll be the first one to know। ये साला एक लड़का है जो हर रोज नाटक में मेरे डायलॉग में से उठ के चला जाता है। ये वहां कैसे पहुंच गए? मजू, तुम यहां कैसे आ गए? अब तुम्हारी एंट्री लेट हो रही है। अरे आया आया, संभालना। हाँ ठीक है ठीक है, तुम जाओ। बाल बाल बच गए। बाल बाल, विग विग बच गए। शबनम प्लीज टेल मी कि तुम मजाक कर रही थी, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, राइट? रॉन्ग, अभी वो जो आए थे ना वो मेरे पति थे, उदय शंकर मजूमदार। नो, तुम शादीशुदा हो और वो भी उस बकवास एक्टर के साथ? एक दिन में कितने बैड न्यूज़ दोगी तुम? अर्जुन, मैं शादीशुदा हूँ और ये सच्चाई है, और सच्चाई नहीं बदली जा सकती। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, और मैं समझता हूँ लाइफ पार्टनर भी बदले जा सकते हैं। मैं तुम्हें अकबर से छुड़वा के ही रहूंगा। तक लिया। शुक्रिया। अब्बा हुजूर, हमारा दिल लेके अनारू कहाँ है? मियां इश्क तुम फरमा रहे हो कि हम, बगावत तुम कर रहे हो कि हम? अरे भाई, अनार कली के बगैर बगावत करने का कोई फायदा भी तो नहीं है। क्यों? नामाकुल, तुम हरामी हो, तुम्हें पता होगा कि अनार कली कहाँ है। आप हमेशा मुझ पर ही क्यों शक करते हैं? ये भी तो है प्ले में। मानसिंह, तुम पहले पता करो कि रोज रोज उठने वाला दुश्मन है कौन। कौन सा दुश्मन? हमारी हर मुल्क से दोस्ती है, इतिहास मत बदलिए। हमारी दोस्ती सिर्फ मुल्कों से है, आवाम से नहीं है। दिक्का दिक्का दुश्मन, दिक्का। रुक रुक, जहाँ पना, अरे कोई रोको रोको, जहाँ पना को। कहाँ है जहाँ पना? मंत्रियों, सिपाहियों, वजीरों, भिखारियों, तवायफों, ए पता करो जहाँ पना कहाँ है? इस सल्तनत में क्या हो रहा है? जहाँ पना ने कनीज को याद किया। खामोश कनीज, कमीज देख के तो पहचान कि हम जहाँ पना नहीं, हम सेनापति मान सिंह है। माफ कीजिए सेनापति जी, कनीज का इरादा आपको बेइज्जत करने का नहीं था। कहाँ है जहाँ पना? यहाँ तुम्हारी मौजूदगी ना फरमाने की दलील है भाई। मजूमदार, तेरी एंट्री है, चलो वरना डिसेंट्री हो जाएगी। चलो प्लीज। आदा 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 दुश्मन दुश्मन दुश्मन, रहम जहाँ पना रहम। दुश्मन जात, अरे सुनिए तो रुकिए। जहाँ पना, सुनिए जहाँ पना, आपकी मूछे कहाँ है? बाढ़ में क्या जहाँ पना, या नाक कटी जाए क्या करूँ मैं? इन्हें छोड़िए, मैं आपकी गुनेगार हूँ। अनारकली, अरे अनारकली, खलबली, बोरी वाली, कांदी वाली, हाथ हाथ, इसे कहते हैं थिएटर। अरे मैं तो यहाँ पे रोज आता हूँ, रोज कुछ न कुछ नया होता है। गुस्ताख भैवरे, लिसन, अरे रुको रुको, अनार सिर्फ मेरी है। अरे भाई, मोहल्ले में और भी बहुत से महल है, वहाँ जाके घर पर बात करो। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है तू?
हट जा। अब हुजूर। अरे अब्बा गया भाड़ में गया हुजूर। अरे जहाँ पना जाइए अनारू, आई एम योर कंगारू, लेट्स लीव। या खुदा क्या हो रहा है सल्तनत में? अकबर को बुलाओ, शाहजहां को बुलाओ, जहांगीर को बुलाओ। अरे कोई कुछ तो करो, कर्टन तो गिराओ। सीने में क्या धड़कता है? दिल। तो अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। हार गई? अगर तुम्हारे दिल में इस वक्त प्यार दबे पाव चला आ रहा है तो मेरे पास चली आओ। मरमरी बाहें संदली सांसे तेरी ओर ले चली। संदली सांसे तेरी ओर ले चली। रस भरी बातें मधु भरी रातें तेरी ओर ले चली। सारे जहां में उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं हासिल। देख देख जिसे मेरा जिया शर्माया है, क्या करूं रे बेशर्म, वो तो मेरा साया है, वो तो मेरा साया। चली आंखें मन चली जुल्फें तेरी ओर ले चली। मरमरी बाहें संदली सांसें तेरी ओर ले चली। तुझे प्यार करूं मैं बेपना, देखे करता है कौन मना, करने दो मुझे ये गुनाह ये गुनाह। जिस्म को जलने दो रात भर, सांसों की धीमी सी आंच पर, ओ मेरे हम मीठा सा ये देता है कितना मजा। आहटी सुनती करवटी गिनती तेरी ओर ले चली। शिट, मुझे देर हो रही है अर्जुन, मैं बाद में मिलूंगी। अनारकली गुलाम नहीं हो उसकी। आज सलीम को तुम्हारी आंखों में वो देखने दो जो तुम्हारी जुबान कहते हुए डरती है। क्या चाहते हो मिस्टर शायर? जवाब? हाँ, यहाँ।
मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ओह, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, 10 मिनट ले लो। अर्जुन, लिसन, कल शो में दो दो क्लाइमैक्स होंगे, एक नाटक के अंदर और एक नाटक के बाहर। अर्जुन पागल तो नहीं हो गए? मैं मजुमदार को बता दूंगा, डोंट वरी, इट्स बिटवीन टू मेन। अर्जुन ऐसे नहीं होता। कुछ भी हो, कल रात थिएटर में बॉम्ब फटेगा ही फटेगा। हेलो भाई, अपुन कयूम केबल, फुल सेटिंग है। भाई अपुन सेंट लुइस मेन बाजार में बॉम्ब फोड़ने के वास्ते जा रहा है। हाँ भाई, पूरा तैयारी है। हाँ जी भाई, बाद में फोन करता, बाद में। ओके, खुदा हाफिज भाई। शहजादगी को रुस्वा मत कीजिए। आप कहाँ हैं? मैं कमी। जब तुम मुस्कुराती हो ना, तब तुम्हारे गुलाबी गुलाबी दिमाग सुर्ख हो जाते हैं भाई। बेबी कम रोजी 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 अनारू आई मू कंगारू भाई। What do you say? कहाँ बैठा है ये? जहाँ पना? आजकल आप सोते ही नहीं है, अब हमें फिक्र होने लगी है। हाँ, लगता है आज नींद आएगी। कहाँ बैठा है ये? जब जब सरजमीन हिंदुस्तान की तरफ दुश्मन के कदम बढ़ेंगे, तब तब कहाँ है दुश्मन, कहाँ छिप गया है? बाहर निकल चूहे, कायर। फंटास्टिक, कायर, कायर। आज तक तो एक जा रहा था, दो दो उठे। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये इस मुल्क में, मेरी सल्तनत में? ऐ खुदा रहम कर, इस मुल्क में लोगों को उठने से रोक, खुदा रोक। डोंट लाफ यू इडियट। सेनापति जी, पीछा करो बाकियों का, चलो। जिले नहीं, अरे कोई रोको, चलो लो जाओ बना चाहिए, तमाम मनाओ जाएगी जाओ बना। तटवर्ती इलाके में सेंट लुई शहर में कल रात एक ड्रामा थिएटर के पास जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। पुलिस छानबीन कर रही है और पूरे शहर में तनाव है। साली नपुंसक सरकार, हार्ड हिटिंग पेट्रियोटिक ड्रामा रोकने के लिए सेंसर बोर्ड, और ये टेररिज्म रोकने के लिए कोई सेंसर नहीं, ब्लडी स्काउंड्रल्स। क्या इले गाली कौन दे रहे? स्काउंड्रल किसको बोला रे? पुलिस को गाली देता है? वंदे मातरम बोला। जोर से बोल, वंदे मातरम। अभी किस काम? थिएटर बंद अच्छे, और सेंट लुइस में कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं चलेगी अच्छे। कर्फ्यू है, बोलो कर्फ्यू। ओ कयूम भाई, ये काय को लपड़ा बेपड़ा काय को करते इधर? आप कमाल उतर रहे ना इधर, फिर ये बॉम्ब बम काय को फोड़ा इधर? बॉम्ब था मेरे पास, फोड़ डाला तेरी माँ की शादी में, अभी तेरे बाप को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। ए, पहले जाके मालूम कर मेरे पीछे जो भागा वो कौन था? कयूम केबल का सवाल पूछता है तू? अरे भाई, सवाल पूछना पड़ता है क्योंकि हमको जवाब देना पड़ता है इधर। देखो कयूम भाई, काम हम आपका करते हैं, पगार सर करके लेते हैं। साला ये बात दिल्ली तक पहुंचा है। दिल्ली? अबे तेरी दिल्ली तो आराम से सो रही है, उसे मालूम नहीं है अपना दुबई वाला भाई आगे चल के क्या करने वाला है।
कयूम केवल बहुत का लेवल। फ्रेंड्स, खबर मिली है कि गोवा कोस्टल रीजन में एमिनेशन और आरडीएक्स की लैंडिंग होने वाली है। कल सेंट लुइस शहर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहां पे अगर हमारा एक ऑफिसर नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अर्जुन रस्तोगी हैज डन अ गुड जॉब। Afternoon. Good afternoon, sir. Arjun, you've done a good job. Thank you. तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन सेंट लुइस में हालात ठीक नहीं है। मैंने सब कुछ रिपोर्ट में लिख लिया है, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान और दुबई से हथियार और आरडीएक्स का जखीरा चल चुका है। We have no time. We have to act fast. मैं जल्दी वापस जाना चाहूंगा सर, वरना देर हो जाएगी। ऐसे हालात में हम रिस्क नहीं ले सकते। Exactly. रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा नहीं जाने दूंगा। क्यों सर, मैं मामले की तह तक पहुंच चुका हूं। प्लीज लेट मी गो। तुम पुलिस और अंडरवर्ल्ड दोनों की नजरों में आ चुके हो, और अगर तुम पकड़े गए तो उसी इलाके में जो हमारे बाकी ऑफिसर्स हैं, उनकी लाइफ, हमारा मिशन सब बर्बाद हो सकता है। आई एग्री विद यू सर, लेकिन रातों रात कौन मेरे बदले वहां जाकर ये काम कर सकता है? है एक आदमी जिस पर किसी को शक भी नहीं होगा, और ये नाम हायर अथॉरिटी से आया है। कौन है सर? ट्रस्ट मी, वो आदमी बड़ी आसानी से काम करेगा, हंसते खेलते, गाते गाते, रोमांटिक अंदाज में। कुछ भी नहीं था लेकिन तेरा सहारा था, जो कुछ भी था वो सब कुछ, वो सब कुछ लूटा हुआ है, लूटा हुआ है। एक तो शराब कम और पैमाना टूटा हुआ है, एक तो शराब कम और पैमाना टूटा हुआ है, चेहरे पे जख्म तो थे कितने, उस पे आई ना। टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। चाहे लाख बना तू आशिक गैरों को, मगर चाहे लाख बना तू आशिक गैरों को, मगर तेरा होंठ मेरे होंठ से, मेरे होंठ से झूठा हुआ है, झूठा हुआ है, झूठा हुआ है, झूठा हुआ है। Cheers, Aldi sir. जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह दिखा दे जहां खुदा ना हो। वाह, शेर आपका है? हमारा ही समझ लीजिए। अच्छा, मुझे लगा मिर्जा गालिब का है। पकड़ लिया आपने। काम है मेरा, शायर और लायर दोनों को पकड़ लेता हूँ। आए हाय। वैसे
आपकी आवाज में बहुत रोमांस है। अरे छोड़िए हुजूर, काहे का रोमांस। इस नफरत भरे माहौल में कभी कभी लगता है कि इस देश और हमारे बीच में एक तरफा रोमांस चल रहा है, वन साइडेड अफेयर। देखिए अली साहब, मुझे लगता है कि जो हुआ। नहीं नहीं जनाब, कुछ लोगों ने मस्जिद क्या तोड़ दी, वाह दिल ही तोड़ दिया हमारी कौम का। इट्स ट्रू, बड़ी ज्यादती हुई है। खैर, ये रही सेंट लुइस मिशन की फाइल। इसमें सरकारी एजेंट्स, लोकल कॉन्टैक्ट्स, नाम पता, अगर और कुछ पूछना हो तो। नहीं 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 नहीं, वहां के जर्रे जर्रे से वाकिफ हूं मैं, बहुत सारे शोज किए मैंने वहां। अच्छा। हाय, समंदर की रेत से खेलता हुआ एक छोटा सा शहर, गिनती के लोग, गिनती के घर, लेकिन भाईचारा अनगिनत। हाँ, आजकल भाईचारा कम और भाई लोग ज्यादा दिखते हैं। प्लीज बी केयरफुल हल्दी साहब। अच्छा, खैर रॉचिव के रास्ते में रहूंगा, और कुछ? वेल एक्चुअली हल्दी जी, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? दरअसल सेंट लुइस में कर्फ्यू चल रहा है, फोन लाइंस बंद है, आप मेरे लिए एक मैसेज पहुंचा सकते हैं मेरी एक दोस्त को? आपकी दोस्त हमारी दोस्त, हुक्म कीजिए। आप उनसे पर्सनली मिलके सिर्फ ये कह दीजिएगा, जब जब सरजमीन हिंद की तरफ दुश्मन कदम बढ़ाएगा तो वो समझ जाएगी कि मैं यहाँ महफूज हूँ, मैं सेफ हूँ। पैगाम बता दिया लेकिन नाम छुपाए रखा। शबनम कलाकार थिएटर में लीडिंग एक्ट्रेस है, आपने वहां पे शोज किए होंगे, एक ही थिएटर है। हाँ शोज तो वहाँ कलाकार थिएटर में बहुत सारे किए हैं, 4-5 साल पहले किए ना, कुछ याद नहीं। गिनती के लोग, गिनती के घर, और आपको याद नहीं? खैर आपको ये तो याद होगा कि एक बार आप सेंट लुइस एयरपोर्ट जा रहे थे और बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस बुलाई गई और आपके प्लेन को रुकवाना पड़ा, याद है? अरे इतनी भीड़ थी वहां पे, एयरपोर्ट का किस्सा कैसे भूल सकता हूँ मैं, बिल्कुल याद है। खैर खुदा हाफिज, आपको मैं काम कर दूंगा, ठीक है? हल्दी साहब आप कुछ भूल नहीं रहे, देश की सेवा करने जा रहे हैं, आपने जय हिंद नहीं कहा? दिल की बात है जनाब, समझ लीजिए दिल में कह दिया। खुदा हाफिज। जय हिंद। एक्सक्यूज मी सर, मे आई इंटरप्ट प्लीज? यस सर। हाउ डू आई से दिस सर, मुझे हल्दी हसन में कुछ गड़बड़ लग रही है। करेक्ट, गड़बड़ तो है। आपको भी लगा सर? सुर में गड़बड़ है, ही इज अ लिमिटेड सिंगर, लेकिन मार्केट में चल रहा है तो चल रहा है। नहीं नहीं सर, मैं उसके सुर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई फील इज उसकी बातों से मुझे उस पर पूरा शक हो रहा है सर। वी कांट टेक अ रिस्क, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। कम ऑन अर्जुन, उसका नाम तो होम मिनिस्ट्री से आया है और वो सेंट लुइस जगह से वाकिफ है। नहीं सर, वाकिफ नहीं है। मैंने जानबूझ के सेंट लुइस एयरपोर्ट के बारे में जिक्र किया तो वो फौरन मान गया, लेकिन सेंट लुइस में एयरपोर्ट है ही नहीं सर। ओह माय गॉड सर, मुझे लगता है कि वो डबल एजेंट है, एक तरफ हमारे लिए काम कर रहा है और दूसरी तरफ शायद ISI अंडरवर्ल्ड के लिए। वी कांट टेक द चांस। ओह नो, हम तो सेंट लुइस की सारी फाइल्स और सीक्रेट ऑफिसर्स के नाम दे चुके हैं। सर हल्दी निकले उसके पहले मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा, सारे ऑफिसर्स को वार्न करना पड़ेगा। प्लीज सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। सुना अर्जुन, हल्दी कल सुबह ट्रेन से निकलेगा और परसों सेंट लुइस पहुंचेगा, उससे पहले फौरन तुम फ्लाइट पकड़कर गोवा पहुंचो, समझ गए तुम? Right, और वहां से बाय रोड सेंट लुइस। ऑल द बेस्ट, मूव फास्ट। जय हिंद। ए मंगे, भाई को दे चल। सलाम कहूं भाई? हाँ बोल पाटिल। भाई गली बिली सब पे नजर रखे ले अपन। मेहरबानी किया क्या? वो आदमी जिधर भी दिखेगा ना उधर ही ठोक डालेगा साले। अबे तू नजर रखे लाया तो अपन कौन सा घर में बैठे लाया है, अपन भी गली गली घूम रहा है अपने छोकरे लोग के साथ, जिधर भी दिखाई देगा ना उड़ा डालेगा सरकारी कुत्ते को।
लोग मेरे पीछे हैं, मुझे छुपाओ, कम ऑन, मैं बताता हूँ, कम ऑन, कम ऑन। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन, कौन पीछे पड़ा है? आर यू क्रिमिनल और व्हाट? क्रिमिनल होता तो उस दिन क्रिमिनल के पीछे नहीं भागता। तो क्या तुम पुलिस वाले हो? पुलिस वाला होता तो आज पुलिस मेरे पीछे नहीं भागता। ये गन, क्रिमिनल पुलिस, क्रिमिनल पुलिस, आखिर तुम हो कौन? I missed you. Did you miss me too? कहाँ थे इतने दिन? ना फोन ना कुछ? कुछ मत पूछो। लेकिन अर्जुन, तुम इतने दिन? मुझे सिर्फ तुम्हें देखने दो। प्लीज अर्जुन, नॉट अगेन। क्यों? मजुमदार के आने का डर है? उनसे क्यों डरूं मैं? तुम्हारे पति हैं? हाँ है तो, लेकिन घर में नहीं है, वो बंबई गए हैं। बंबई? पति पत्नी और बॉयफ्रेंड फिल्म में काम करने। पति पत्नी और बॉयफ्रेंड? छी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे फिल्म? हद है, क्या होगा हमारे कल्चर का? कैसी कैसी फिल्में बनती है ना आजकल, शादी के बाद अफेयर, ऐसा कभी होता है कहीं? मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। अर्जुन, ऐसी ही फिल्में हमें बिगाड़ती हैं। बिगाड़ती नहीं, उकसाती हैं, गुमराह करती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक हमारी सांसें चलती रहेगी। प्रॉमिस। गलत है, I'm sorry. अर्जुन, अभी तक तो मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करती थी, लेकिन अब तो मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ तुम्हें और तुम्हारे काम को। थैंक्स शबनम। तो फिर मेरे इस काम में तुम मदद करोगी? मैं? हुँ? मैं क्या कर सकती हूँ? ऑलराइट, मैंने कहा था इसलिए हल्दी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मुझे? डोंट वरी, तुम इसे मिलो, उसे उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करो। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? चार्म हिम, फ्लर्ट विद हिम, यू नो। तुम डरोगी तो नहीं? शादीशुदा होते हुए जो ये सब कुछ कर रही हूँ, उसे तो कम ही डर लगेगा ना। डोंट वरी, मैं सब कुछ कर लूंगी सिर्फ देश के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ तो खवातीनो हजरत, सेंट लुइस के चाहने वालों के लिए ये थी हल्दी हसन की पेशकश। आज की शाम आपके नाम। ऑटोग्राफ प्लीज। तालुका रखिएगा मतलब। थैंक यू। शुक्रिया। नवाजिश। तनुजा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हल्दी साहब। हाँ। ये सेंट लुइस की सॉलिड एक्ट्रेस आपके लिए हाजिरे, आपने बुलाया था ना? शोभनम। हाँ। मत चलू, फोन करूंगा बाद में। जरूर। हेलो। आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ। आप बजा भी लेते हैं? मुझे तो लगा सिर्फ गाते हैं। कहने का मतलब है कि हेलो मोहतरमा।
वैसे खाकसार को हल्दी हसन कहते हैं? मुझे तो लगा आपको कहते हैं। खाकसार यानी हम, मैं, माउनिसा, मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ शहर दिल्ली से। एक नौजवान ने भेजा है। एक ने या नौ ने? हाँ, एक नौ नो एक वन यंग मैन। पैगाम मैसेज ये है कि जब जब सरजमीन हिंदुस्तान की तरफ दुश्मन के कदम बढ़ेंगे तब तब, ये तो मुझे ऑलरेडी मालूम है। आए हाय, कोई चाहने वाला लगता है। शबनम को तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप और मैं मेरे कमरे में अकेले बैठ के जरा गुफ्तगू करें। अकेले में क्या गू करें? गुफ्तगू, बातचीत, लेट्स टॉक। मोहतरमा, घबराने की बात नहीं है, वैसे खाकसार नहायत ही शरीफ आदमी है। शबनम, ए शबनम, शबनम, शबो शबो शबनम, बहुत मिस किया तुम्हें, बहुत मिस किया। तूने भी किया ना मुझे? ये साले बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री वाले सटल एक्टिंग के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। स्टूपिड, ए नाराज हो गया? बोलो ना कुछ। आई लव यू, आई लव यू टू डार्लिंग। ये क्या, चार दिन में सूजन आ गई कि मसल बना ली है? ये तो वही है जो नाटक में से उठ जाता था। अभी चेक करता हूं। जब जब सरजमीन हिंदुस्तान की तरफ दुश्मन के कदम बढ़ेंगे तब तब, जब जब सरजमीन हिंदुस्तान की तरफ दुश्मन के कदम बढ़ेंगे तब तब, कमीने कमीने, उठ शबनम, शबनम मौजूदा आने से पहले व्हाट व्हाट, क्या कौन? कमीने, ये मेरा बेडरूम है, मेकअप रूम नहीं है। कैसे तू यहाँ, कैसे मेरे बेडरूम में? कैसे मैं तुम्हारे बेडरूम में? तुम्हारी तुम्हारी वाइफ का इंतजार कर रहा हूँ, और क्या? तू मेरे बेडरूम में? Yes. वाइफ का इंतजार कर रहा है? हलकट आदमी साले, निकल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। शबनम जी, ये हुस्न मस्ताना, अदा आशिकाना, फिर भी छोटे से शहर में आबुदाना। कौन सा दाना, मैं कुछ समझी नहीं। सितारों से आगे जहाँ और भी है, आसमां से आगे आसमां और भी है। अच्छा, मैं फिर से कुछ नहीं समझी। बड़ी भोली हो तुम। बड़ा सोचो ना, बड़ा पर्दा, बड़ा शहर, फिल्म, ग्लैमर। तुम बन सकती हो स्टार। छोड़िए ना हल्दी जी, मुझे जैसी भोली भाली घरेलू लड़की को कौन फिल्मों में चांस। सुभान अल्लाह, हम जो है हम दिलाएंगे चांस। आप चांस दिला सकते हैं? आपको दिखा मुझ में कुछ टैलेंट? शबनम जी, सब कुछ तो दिखता है, तभी तो एक फोन दुबई घुमाऊंगा, दुबई से मुंबई फोन हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। दुबई में हम भाई से बात करेंगे। आपका भाई दुबई में है? मेरा भाई दार्जिलिंग में है, घड़ी रिपेयर करता है। घड़ी घड़ी क्यों टोकती हैं आप? भाई यानी डॉन भाई, फैन है मेरे। इतने बड़े डॉन आपके फैन है, कैसे? बहुत लंबी दास्तां है मोहतरमा। एक दिन डॉन भाई अपनी ओपन गाड़ी में सफर कर रहे थे, दुश्मन का शूटर निशाना लगा बैठा हुआ था, गोली डॉन भाई के सर से लगने वाली थी कि अचानक रेडियो पे मेरा गाना बजने लगा, टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। डॉन भाई झूम उठे, वाह वाह वाह, भाई भाई भाई, तीनों गोली मिस हो गई। तब से डॉन भाई हमारा एक भी गाना मिस नहीं करते हैं, बहुत बड़े फैन हैं हमारे और हमारी मौसिकी के। किसकी मौसी? आपकी मौसी भी म्यूजिक लाइन में है? मेरी मौसी भी गाती है भजन। मौसिकी तो मौसिकी यानी धुन मोहतरमा। हुस्न परी, जरा आगोश में आने दीजिए ना। कौन है बे? अपन कयूम केबल, मौत का लेबल, समझा ना? कयूम भाई, गुस्ता की माफ। तेरे को कभी मिला नहीं रे, कभी देखा नहीं, मिलने को बहुत बेताब है मैं। और सुन,
दुबई से डॉन भाई का मैसेज आया है कि तेरे पास कोई सरकारी खुफिया फाइल है। हाँ भाई, सब कुछ है ना, रॉकी फाइल है, सब कुछ है भाई। भाई थोड़े मसरूफ हैं भाई। मशरूम खाने लगा तो क्या हुआ रे? नहीं मशरूम नहीं भाई, मसरूफ हैं। हाँ कल बात करते रख दीजिए। हल्दी इतनी भी क्या है जल्दी? कुछ देर में वापस आती हूँ ना मैं, अपनी ड्रेस, अपना मूड सब रोमांटिक बनाकर जान लूंगी तुम्हारी सारी बातें। इंतजार करेंगे हम, यानी मैं खुद सोलो अकेला तन्हा। संभाल के मंदर, क्या करें मजूमदार पुलिस? क्या हो रहा है इधर? कर्फ्यू मारा मारे सारे के सारे। चले सीधे चल, निकल चल, गाते चले गाते चले। तू सुनता तो मेरी बात? जो तुम सोचो वो नहीं है। तू सुनता तो मेरे डायलॉग? शबनम मुझे ये बताओ, ये कौन घुस आया मेरे घर में? इसको छोड़ो, वो घुस चुका है शहर में। कौन? वो हल्दी हसन। ये हल्दी कौन है? जिसको ये पकड़ना चाहता है। तो ये कौन है? जिसको अभी भी आपने पकड़ा है। प्लीज वो सब छोड़ो, क्या कहा तुमसे हल्दी ने? अर्जुन वो तो मुझे देखते ही पागल हो गया। अरे पागल तो मैं हो जाऊंगा, पहले ये मेरी शादी में मिर्ची लगा रहा था, अब ये हल्दी कौन है? हल्दी एक गजल सिंगर है। तो ये कौन है? ये गजल सिंगर नहीं है। सॉरी यार। पर ये है कौन? मच्चू ये हमारे गेस्ट हैं। ऐसे बात करते गेस्ट से? की तरह मत लड़ी। लिसन, ध्यान से सुनो, ये एक टॉप सीक्रेट है। तुम बाहर जाओ। मुझे सब पता है। ओके। मैं स्पेशल ऑफिसर हूँ रॉ का। कहाँ का? रॉ का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो देश की सुरक्षा पे नजर रखती है। रॉ का, इसलिए क्या तुम्हें चालू नाटक में फर्स्ट रो से उठने का लाइसेंस मिल जाता है? नाटक की बात छोड़ो मजुमदार, ये यहाँ एक इम्पोर्टेंट मिशन पे आया है, देश के लिए। देश का मिशन? मेरे बेडरूम में नंगा घूम के कौन सी देशभक्ति कर रहा है? मजुमदार ये मत भूलो कि आज भी देश के लाखों लोग भूखे नंगे सोते हैं मेरी तरह। मेरी वाइफ के साथ मेरे बेडरूम में है? तू बहुत कंफ्यूज कर रहा है मुझे। तू पुलिस में चल, पुलिस में चल। सुनो 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 सुनो, हल्दी के साथ पुलिस भी मिली हुई है, और तो और वो फाइल लेके रॉकी सुबह कल कयूम केबल से मिल रहा है। डैम इट, सबके सब आरडीएक्स की लैंडिंग करवा के रहेंगे। शिट, ये आरडी बर्मन पता है? आरडीएक्स कौन है? तुम कितने सवाल पूछते हो, तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते? डार्लिंग मैं सवाल भी ना पूछूं? एक आदमी मेरे बेडरूम में नंगा घूम रहा है, तुम्हें सवाल भी ना करूं? तो क्या मैं डिनर करूं उसके साथ? डिनर से याद है अर्जुन, हल्दी ने मुझे डिनर पे बुलाया है, क्या पहन के जाऊं? लिसन, तुम डिनर पे जाओगी वो भी इस वक्त? अरे तुम्हें कितनी बार कहा कि 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, इसका वजन बढ़ जाता है। अब तुम ही समझो, मेरा तो कुछ मानती नहीं। सवाल वजन का नहीं, वतन का है। वतन के लिए मैं डिनर पे भी जाऊंगी, और अगर हल्दी ने सीधी तरह से फाइल नहीं दी तो उसका खून भी करूंगी। ये खून करेगी? खून क्यों करोगे? जरूरत पड़ी तो, ये देश का मामला है। ठीक है, खून अलाउड है, देश का मामला है। ये क्या मामला है? ये दिल का मामला है। क्या? इस वक्त हम दोनों के धड़कते दिल में देश के लिए कुछ कर दिखाने की तमन्ना है, राइट शबनम? राइट हनी। हनी? हनी कोड वर्ड है, राइट हनी? मजुमदार मैं और हनी खुफिया मिशन में शामिल है, देश के लिए। बकवास है सब, सब बकवास है। जो आदमी मुझे स्टेज पे तड़पता छोड़ के मेरे ही बेडरूम में घुस जाए, उसकी बात कैसे मानूंगा मैं? बस स्टेज बेडरूम इसी पे अटके हुए हैं, इसके आगे सोच नहीं सकते। अरे कैसे सोचूं? तुम्हारी खूबसूरत बीवी भी स्टेज पे काम कर रही होती ना, तो तुम भी स्टेज पे आके स्टेज बेडरूम के बारे में सोचते। शबनम सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? सच तो ये है मजुमदार कि तुम्हारे अंदर का वो कमिटेड कलाकार वो पुछ चुका है, वो मर गया है। ये झूठ है, अभी भी ये कलाकार जिंदा है,
अभी भी देश के लिए उसका दिल धड़क रहा है। छोड़ो शबनम, एक नकली एक्टर असली इमोशंस कैसे समझ सकेगा। आई एग्री। डोंट चैलेंज मी प्लीज। तो क्या इसका मतलब है कि तुम इस मिशन में हमारा साथ दोगे? अवश्य दूंगा, लेकिन शबनम मेरे साथ रहेगी, मंजूर? एक क्या, अगर मेरी दूसरी बीवी होती ना तो भी मैं देश के लिए समर्पित कर देता। ले जाओ। मजुमदार, आज पता चला तुम पति नहीं हो। तो क्या हूं मैं? सेनापति हो, बहादुरों के सेनापति। ठीक है, बोलो मिस्टर अर्जुन, क्या करना है? सोच लो, जान का खतरा भी हो सकता है इस मिशन में। खतरा? 16-17 का था तब से खून का कतरा कतरा ऐसा ही खतरा ढूंढ रहा है। मैं एक ऐसे रोल के लिए जी रहा हूं जिसमें मैं मर सकूं, ताकि दुनिया मेरी एक्टिंग देख कर कहे कि वाह, मान गए मुगले आजम, वाह वाह। अरे रात को नींद खराब कर दिया। चुप बैठो। अब ये कौन है? मैं अर्जुन। अर्जुन? अरे भाई अब ये मत कहना कि मुगले आजम के बदले महाभारत करने वाले हैं। नहीं नहीं, मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन रस्तोगी। मैं अब शबनम का दोस्त हूँ और अब मजुमदार का भी हूँ। I'm a raw officer. I'm महेश मोघे from CBI. CBI? Yes. यहाँ कब से? 27 साल से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जामखेड़ा ब्रांच अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सदा आपकी सेवा में तत्पर। थैंक यू फ्रेंड। आज हमें एक मिशन को पार लगाना है। देखिए आज तक तो हमें सिर्फ 100-200 लोगों की तालियां मिली होगी, लेकिन अब पूरे 100 करोड़ लोग तालियां बजाएंगे। और ये काम आसान नहीं है। हर एंट्री एग्जिट पे डेंजर होगा, हर क्यू पे खतरा होगा, हर मोमेंट पे खौफ होगा। आर यू रेडी बॉयज? प्लीज 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 सुनिए। अब क्या? आप सबको मिलके एक ड्रामा करना होगा देश को बचाने के लिए। देखिए इस इलाके में RDX यानी बारूद और हथियार आने वाले हैं अगले 24 घंटों में। हमें यहाँ के अंडरवर्ल्ड और करप्ट पुलिस से लड़ना होगा। एंड आई नीड यू, क्योंकि यहाँ के कई लोगों ने मुझे देख लिया है, जैसे ACP पाटिल, यहाँ का डॉन कयूम केबल। मुझे आपका साथ चाहिए प्लीज। अगर ये प्ले कामयाब रहा तो सारा देश उठ के आपको सैल्यूट करेगा। यस। नहीं रहा तो? तो दुश्मन शूट करेगा। तो साथियों तैयार हो? नो। मजुमदार प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, आप सीनियर हो, यू नो दीस पीपल, प्लीज समझ। डोंट वरी, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। ओके डोंट वरी, समझा इसे। ओके देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज तक आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं पहली बार। हाँ शिंदे। हाँ पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ, अरे कयूम भाई की ड्यूटी पे होटल पे। बाबा चल बाद में बात करता हूँ। यहाँ चीती जोरी गुर्दोर दियो तो। साले गजल के सुना है, हल्दी ने ये पीली हो गई। रूम के अंदर जा रही है, हम लोग 3rd degree भी यूज करेगा ना तो भी नहीं मिलेगी। क्या सामान है, वाह 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 वाह। मैं तुम्हें पहचान गया, रॉ हो। रॉ? रॉ? एक रॉ अपील है तुम में। थैंक यू। नाजुकी उनके लबों की, क्या कहिए? किसके लबों की? तुम्हारी और किसकी? हाय सारी मस्ती शराब की सी है। मैं शराब नहीं पीती। शेर है? मैं शराब शेर भी नहीं करती। गजल का शेर है। समझ में नहीं आया लेकिन नाइस थॉट। I भी have a thought, madam. शम्म जी, देखिए मैं अब तो मैं उर्दू से अंग्रेजी पे आ गया हूँ, अब तो प्लीज कम ऑन जी। नहीं नहीं हल्दी जी, जिन हाथों पे किसी और के नाम की मेहंदी लग चुकी हो उन पर हल्दी का रंग कैसे चढ़ सकता है? एडजस्ट कर लो ना, एक हाथ में मेहंदी दूसरे हाथ में हल्दी। देखिए आप मेरी ड्रेस पे मत जाइए, मैं बहुत ही पतिव्रत नारी हूँ। अच्छा? अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती हूँ मालूम है। तो इस बार करवा चौथ पे खाना खा लेना, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। रियली? रियली? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सारे उठाइए ना। हाँ?
आपने मुझे क्यों उठा लिया? और किसको उठाओ भे? कलम को. कलम क्यों? क्योंकि मुझे आपको ऑटोग्राफ चाहिए ना. अरे ऑटोग्राफ क्यों, छोड़िए ना. प्लीज कुछ रोमांटिक, कुछ शायराना दीजिए. लीजिए देखिए. और क्या चाहिए बताइए. अच्छा आप बताइए कि आप मुझे स्टार कैसे बनाएंगे? अरे बनाऊंगा ना मैं, स्टार बनाऊंगा. और अपने सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस, अंडरवर्ल्ड का प्लान, सारे राज डिटेल में बताइए. पॉलिटिक्स में, अंडरवर्ल्ड में सब मेरे दोस्त हैं. कल ही मैं डॉन भाई को फोन करूंगा, वो एक बड़ी फिल्म अनाउंस करेंगे. लेकिन आज हम थोड़ा रोमांस करेंगे प्लीज. नहीं आज आप कुछ नहीं करेंगे. अरे क्यों तड़पा रही हो खाकसार को, आई मीन मुझे. आज आप कुछ नहीं करेंगे, आज सब कुछ मैं करूंगी. जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. आज मूड है इश्किया. हर्फ हर्फ हीरा है, लफ्ज लफ्ज मोती है. हम हसीनाओं की बातें तो निराली होती हैं. अगर मगर की डगर डगर पे सफर करोगे कैसे? असर असर सनम है ऐसा के सबर करोगे कैसे? Let's go. चांद झरो के चल सैया, बादल बान तन्हैया. छू ले कहता है मन का मंजर, हाँ ना होता है अंदर अंदर.
आया दिल में होती गुदगुदिया। आज मूड है इश्किया, आज मूड है इश्किया, चांद जरो के चल सैया, बादल बार है तन्हैया। आज मूड है इश्किया, आज मूड है इश्किया, आज मूड है इश्किया, आज मूड है इश्किया, इश्किया। हल्दी जी, कहाँ को गए आप? आप कुछ बोल रहे थे ना भाई का पतला, कुछ प्लान? बहुत ही शातिर प्लान है पूरी कौम को इंसाफ दिलाने का। कुछ दिनों में मुंबई में ऐसे धमाके होंगे। ये कैसे धमाका? इसकी कौन है वो? इधर कौन गाता है गजल? अपन हो गया पजल। डार्लिंग तुम? डार्लिंग? हल्दी डार्लिंग, कौन है ये? चल बिन मछली, नित्र बिन बिजली, चल साइड दे अगली पिछली। हल्दी, हाँ, रो वालों का फाइल लेके चल। कयूम केबल का आदमी है अपन, बशीर बास्टर्ड। बास्टर्ड? कैसा सरनेम है बास्टर्ड? सरनेम? सर से पाँव तक यही नाम है। अपन जब भी मम्मी को पापा के बारे में पूछता था तो कभी जवाब नहीं देती थी। वो शर्मा के पैर के अंगूठे के साथ जमीन को खुरेदती थी, खुरेद खुरेद के कुआ बना डाला, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। तभी से यही नाम रह गया, बशीर बास्टर्ड। बास्टर्ड भाई, अफसोस है लेकिन इस वक्त हमारे पास मेहमान है, समझा करो। तेरे पास मेहमान? देखिए ना कैसा मेहमान है। तो अब उनके पास सामान है, खुदा देखा क्या? उठा के दू क्या? ब्लडी बास्टर्ड, गाली दिया कि नाम लिया? नहीं नहीं जनाब, हमारे करने का मतलब है कि अगर हमारा मिजाज गया ना तो हम आपके नाजुक से रुखसार भी हल्का सा तमाशा रसीद कर देंगे, और आपके मोतियों जैसे दांत जो है वो फर्श पर बिरजू महाराज की तरह गोल 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 रक्स करते हुए नजर आएंगे, समझ रहे आप? नहीं, क्या बोला रे? एक कान के नीचे बजाऊंगा ना, बत्ती सी बाहर निकल जाएगी तेरी माँ का। धोखा! ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं था भाई। शर्म मत बन, सर पे है गन। सुन, जास्ती नाटक किया ना तो मसल देगा मसल। नहीं, अरे तेरे को नहीं रे, ये हल्दी। ए बास्टर्ड, ए नाम लिया जनाब, नाम लिया इस बार कसम से। अंदर जाइए ना, मत रोना। ठीक है। देखिए बास्टर्ड भाई, बस दो मिनट की मोहलत दे दीजिए, हम वो फाइल वाले लेकर आते हैं। चल जा बास्टर्ड। इस मुल्क में फनकार के लिए कोई इज्जत ही नहीं सर। ये फनकार कौन है? अरे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ मोहतरमा, क्या प्रॉब्लम है सबको मुझसे? सारा मूड खराब हो गया, मैं चलती हूँ। नहीं, लगता है स्टार बनना मेरी किस्मत में नहीं लिखा। प्लीज वेट, प्लीज वेट, लौट आएगा ये जानी सर। अभी जानी सर कौन है? जानी सर यानी मैं, गधा जिसपे घोड़ा लगा के खड़े हैं बाहर लोग। देखो तुम जल्दी आना प्लीज। जानी मन, अगर आज जान भी चली जाए ना तो लाश बन के आएगा ये जानी सर, घाट सर, जो भी सर है यार। अपना ख्याल रखना। अरे हाँ यार। अरे वो पीछे कयूम केबल के अड्डे का सेट लगा कि नहीं? अर्जुन हल्दी हसन को लेके आता ही होगा। चल चल चल, पहुंच गया बास्टर्ड। चल भाई से मिलने का चल। ए मजूमदार, तुम कयूम केबल बनने को तैयार हो कि नहीं? भाई मुझसे नहीं होगा ये। एक बात याद रखो। घंटा याद रखूं? कुछ लिखा तो है नहीं। बात ये याद रखनी है कि याद कुछ नहीं रखना है। शुरू शुरू में हल्दी के साथ इधर उधर की बातें करके समा बांध देना। इम्प्रोवाइज। आप ना ऐसा कुछ स्टोरी बनाइए कि आप बचपन से डॉन थे, मतलब रेडीमेड डॉन थे, कि आप बन गए। भाई मेरे पास एक आइटम सुनो। मेरे बचपन में मैं 10 साल का था और पिताजी 5 साल। अरे 5 साल से जेल में थे यार, पूरा तो बोलने दो आदमी को। अरे यार अच्छा आगे बोल। मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरी माँ ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के तीसरे दिन ही मेरे दूसरे पिताजी का भी देहांत हो गया। इस जालिम दुनिया ने मेरी माँ को तीसरी शादी नहीं करने दी। इस सदमे में मेरी इकलौती माँ मेरे दूसरे पिताजी के चौथे के दिन ही चल बसी, और मैंने अपने आप को इस वर्ल्ड में अकेला पाया और अंडरवर्ल्ड में चला आया। अंडरवर्ल्ड में चला आया। कैसा लगा? सही जा रहा बाप, सही। ओके रेडी। तुम मुझे बाप बोलते हो ना, बड़ा मीठा लगता है। क्यों? शबनम तुम्हारी माँ हुई ना। ओहो, हम अपनी माँ और बहन को बाद में डिस्कस करें। बाहर हल्दी हसन खड़ा है। अरे भाई सुनो,
माय गॉड, इतना बड़ा आर्टिस्ट बाहर खड़ा है, कोई जाके चाय कॉफी कुर्सी के लिए तो पूछो यार। आर्टिस्ट नहीं है वो, देशद्रोही है। कैरेक्टर से बाहर मत आओ। देशद्रोही है, ठीक है तो कुर्सी कैंसिल, लेकिन मुझे तो बताओ क्या करना क्या है। सुनो मजूमदार, पहले तो रॉकी वो फाइल ले लेना, दूसरी बात बॉम्ब्लास्ट का प्लान है वो पूछ लेना, एंड फाइनली जो भी इनसाइडर्स के नाम है वो भी ले लेना, बाकी सब मैं देख लूंगा। वाह माने साला, जान का खतरा मैं उठाऊं और तू आके क्लाइमेक्स में ताली लेके जाए? नहीं, मुझे ऐसा लोगों के साथ काम ही नहीं करना। नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, किसी ने कहा है, किसी ने कहा है ये मत सोचो रोल कितना बड़ा है, ये मत सोचो कि रोल कितना बड़ा है। अब आगे कुछ कहा है कि बाकी का तुम्हारे पे छोड़ दिया है? I don't know, but you understand what I'm saying? Come on, मजूमदार, come on, कयूम बन के छा जाओ। ठीक है, साला ऐसी इंटेंसिटी से परफॉर्म करूंगा कि वो हिल जाएगा। अपन साला केबल का कनेक्शन जोड़ता भी और लाइफ का कनेक्शन काटता भी है, बता अपन कौन? कयूम केबल मौत का लेबल भाई। ये डायलॉग अंडरवर्ल्ड के बाहर भी फेमस है? बाहर? यारे नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट रोल मिला है अकबर के बाद। ये अकबर भाई कौन है, कभी मुलाकात नहीं हुई? मैं अकबर, मैं अंडरवर्ल्ड का शहंशाह, और तू कौन रही? गजल का बादशाह। बहुत सिखाई गई म्यूजिक व्यूजिक एनएसडी में? एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ डॉग। तो आपको भी गाना बजाना आता है? घराना? घराना अभी आएगा ना, तेरे घर बाद में आएगा ना। संगीत घराना क्या रे, तेरा फेवरेट रैक कौन सा है? राग पट्टी देने का भाई रवि। भाई रवि, अरे कोमल होता है रे। नहीं रे भाई, चल फाड़ गला फाड़। सुनो, ये घोड़ा भी ले लो, ये टाड़ा भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी भाई। साला गजल गा रहा है कि अंडरवर्ल्ड की आरती उतार रहा है? तेरे को गजल सिंगर बनाया कृष्ण भाई ने बनाया, बोल। मैं तो ऐसे ही खड़ा हो गया, ये देख खाली है। ये बता, वो रॉ ऑफिसर के नाम कहाँ पे? ना ना, पूरी फाइल मौजूद है, नजराना है, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें कैद है, और एक जेरोक्स मैंने हिफाजत के लिए होटल रूम में रख दी है। आहिस्ता जरा, इसका जेरोक्स भी है तेरे पास? महफूज है, चिंता ना करिए। बैड न्यूज। व्हाट, फाइल असली नहीं है? नहीं, गुड न्यूज, फाइल तो असली है। तो आप लेकर क्यों आए? बैड न्यूज, उसके पास दूसरी कॉपी भी है। रिलैक्स रिलैक्स, आगे नहीं होगा। बोलो, पानी। पानी के बच्चे एक बार जिंदगी में इम्प्रोवाइज तो कर। ये दुबे इधर खड़े खड़े ना, ऐसे डायरेक्शन देना बहुत आसान है, अंदर साला खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया मुझसे। इंप्रोवाइज कर। अरे पानी ला, गुनार पानी ले, जल्दी। ओके रिलैक्स रिलैक्स, अब सुनो मेरा प्लान। यहाँ से तुम सीधे होटल जाना। वो तो जाना ही पड़ेगा, इतना भारी परफॉर्मेंस दिया है, तीन चार घंटे तो आराम करेगा ही ना एक्टर, है ना? तुम समझे नहीं, तुम यहाँ से हल्दी के साथ उसकी होटल जाओगे, ठीक है? फाइल की डुप्लीकेट कॉपी लाओगे, और अगर जरूरत पड़ी तो यूज दिस, ये इस्तेमाल करना। अरे वो आराम ज्यादा, ये नकली गन से डरने वाला नहीं है। असली है, इट्स लोडेड। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ये असली है? अगर कुछ हुआ तो उसकी टांग पे गोली मार देना, ओके? फिर मैं आके सब कुछ देख लूंगा, सिंपल। उसकी टांग पे गोली मैं मारूं और तू आके क्या देखेगा, उसकी दूसरी टांग? हाँ? आप लोग बहुत भोले हो भाई लोग, सच कहता हूँ, ये जो मिस्टर अर्जुन है ना, वो एक तीर से दो निशाना लगा रहा है। नो 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 नो, प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी मजूमदार, इस वक्त देश प्रेम के सिवा मेरे मन में और कोई प्रेम नहीं है। श्योर? सच। अरे वो क्या था रे, वो कयूम केबल ब्लैक लेबल बहुत का लेबल, बार बार एक ही सवाल पूछे, क्यों कर रहा हूँ भाई मैं? चलो, अरे आओ ना भाई, आओ ना यार, जरा जाम बाम लगा दे भाई। शराब यार, शबाब शबाब, एक बहुत ही सेक्सी आइटम रुकी है मेरे लिए, होटल रूम में रुकी है। क्या नाम है? शबनम। ऐसी सेक्सी आइटम है कि मन करता है कि रात भर सोने दो। दिल्ली तक इश्क फरमाती है शादीशुदा होने के बावजूद? दिल्ली तक?
दिल्ली तक सब्जी लेने बोल के जाते, दिल्ली तक नहीं हो सकता। है एक रॉ का ऑफिसर है अर्जुन, एक सीक्रेट मैसेज। आपको क्या इंटरेस्ट है? नहीं बोलो, इंटरेस्ट है बोलो। ऐसी कुछ था जब जब सरजमीन हिंदुस्तान, जब जब सर जमीन हिंदुस्तान की तरफ दुश्मन के कदम बढ़ेंगे तब तो। आपको कैसे पता? मुझे कैसे मालूम? अरे भाई हूँ मैं, भाई। अरे आप शबनम जी के सगे भाई है, गुस्सा की माँ बने, क्या क्या बोल दिया। वैसे फेस कट मिलती जुलती है, फिगर थोड़ा डाउट है। उसका भाई मैं क्यों बनूंगा रे? मैं उस एरिया का भाई हूँ और मुझे सब पता होता है। और तेरे को भी पता होना चाहिए कि उसका जो हस्बैंड है, उसका हस्बैंड सेंट लुइस का वर्ल्ड फेमस एक्टर कौन? उदय शंकर मजुमदार। वर्ल्ड फेमस एक्टर छोड़िए हुजूर, दुनिया का सबसे लाउड और बोरिंग एक्टर है। भाई हाँ, घटिया भैम बोरिंग एक्टर है यार। फालतू बात कर, ये सारे गामा के दातुन, ये गजल गाने जैसा नहीं है, ये एक्टिंग है, ये दिल से करनी पड़ती है। फालतू बात नहीं करने का, घंटा मालूम है तेरे को, समझे क्या? कौन लाउड है, बात करता है? तो सारा हिंदुस्तान के एकदम लिविंग लेजेंड आदमी है वो। जो देखो बोलता लाउड है, लाउड है, तेरा बाप लाउड होगा। ये नहीं, ये कलाकार नहीं, मैं रियल भाई हूँ। रियल भाई खतरनाक हूँ मैं, समझा? 40 मर्डर किया, 10 का एडवांस मेरे पास पड़ा है, रियल हूँ मैं। खूंखार, कब से ओवर एक्टिंग कर रहा है, मेरा भी सुर बिगाड़ दिया। लाश के एक्टिंग किया कभी मजुमदार? मुझे और मेरी बीवी को रॉक के ऑफिसर ने देशभक्ति का लॉलीपॉप खिला के फंसाया है। हमको जबरदस्ती ये सब करवाया है। मैं तो एक्टर हूँ, बहादुर है। मैं तो भाई का भांडे बर्तन करने को तैयार हूँ, मुझे मत मारो। खिलना मत, खोपड़ी खोलूंगा। और आइंदा ओवर एक्टिंग मत करना, मार डालूंगा। ए रुक, स्टॉप, जल्दी स्टॉप, स्टॉप, गो, जल्दी, इजी इजी। ऊरा ससुरा मिल गया, वो रहा रीजन। पकड़, ये मत सोच के ये नकली है। बंदे मात्रा, बंदे मात्रा, करो भाग लेना भाई, पकड़ उसको। हल्दी सुनो, हल्दी हल्दी, लेट मी एक्सप्लेन। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, लिसन, रुको हल्दी रुको। मैं अर्जुन रॉ ऑफिसर, अभी मौका है, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। गुड टू मीट यू ऑफिसर, ये जिहाद है, इस मुल्क ने हमेशा से हमें पराया माना है, ये बदला है मासूम लोगों का, गरीब लोगों का, और ये बदला लेके रहेगा एक हक साथ, यानी हम, यानी मैं। छोड़ो ये जुनून। ओह माय गॉड अर्जुन, लगता है इसकी तो सांसें रुक चुकी है। अब क्या करें? कम ऑन, उठा उठा। यस, ही इज डेड। कौन? ए चले खोल दे। अरे ये हल्दी तो औरत निकली, क्या बात है? कौन है आप लोग? मैं चिकना हूँ बे चिकनी, हल्दी किधर है? कयूम भाई के पास आए। आप लोग एक्चुअल कयूम भाई के यहाँ से आए? ये एक्चुअल बोले तो देखिए, कोई दूसरा भी है क्या? हल्दी बाहर गए हैं, आप लोग बाद में आएगा प्लीज। ये मामला अर्जेंट है, इधर ही रुकेंगे हम। ठीक है, सुनो, आई हैव एन आइडिया। अब कैसा आइडिया मूर्ख? सब खत्म, ये आत्मा का पंछी तो शरीर का पिंजरा छोड़ के उड़ गया, देख वो गया।
मजूमदार। एक मिनट प्लीज, ये रही चाबी। अब हम में से किसी को होटल जाकर फाइल की दूसरी कॉपी ले आनी होगी, गुंडों के हाथ लगे उसके पहले। और हाँ, शबनम को भी। नहीं, शबनम किसी के हाथ नहीं लगेगी। ओ जी रिलैक्स, उस पे तो हाथ साफ हो ही गया है। ये फाइल की बात कर रहा है। ओ फौजी भाई, ये गवाही इतना बावरा नहीं था कि इतनी जरूरी फाइल बाहर खुली भैंस की तरह छोड़ा है। ये वो होटल में हल्दी बन के फाइल ढूंढने जाएगा कौन? मैं बताता हूँ। ऑलराइट, आप में से सबसे कॉन्फिडेंट काबिल एक्टर कौन है? कोर्स मैं। हीरा मुझसे ना कहे लाख हमारा मोल। आपके बगल में जो खड़े हैं वो तो एक्टर है ही नहीं, एक्टर वो है जो आपके सामने खड़ा सन्मुख। तो आप जाएंगे हल्दी बन के? नहीं नहीं नहीं, खतरों से खेलने के लिए सबको मौका मिलना चाहिए, इक्वली सबको। मजुमदार, अरे अरे, आप ही जाओ मजुमदार जी, आप ही जाओ। अरे क्या मजाक समझा क्या? सर जी आप ही। नहीं नहीं नहीं, अरे वो जान का खतरा है, मजाक है क्या? कम ऑन मजुमदार, कम ऑन। कायर तुम चले जाओ, तुम्हें 30 तारीख को पगार मिलती है और 26 जनवरी को मेडल मिलता है, तुम चले जाओ। मजुमदार सवाल मेरी मौत का या मेडल का नहीं, अगर इस भी पार्टी पर कयूम ने देख लिया मुझे तो सब खत्म हो जाएगा। दिस इज अ सीक्रेट मिशन। सीक्रेट से याद आया, तुमने कोई मैसेज भेजा था दिल्ली से सीक्रेट शबनम को? जब सर जमीन 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 नहीं जमीन, तुम गुजराती हो? मजूमदार मजूमदार, डिक्शन का क्लास छोड़, अभी तुम पति के रोल में नहीं हो, देशभक्त के रोल में हो। हाँ, कैरेक्टर में आओ, याद करो भगत सिंह, बात मानो, जाओ हल्दी बन के। लेकिन क्यों, हर बार मैं ही क्यों यार? What a challenge! कुछ देर पहले आप एक टफ गुंडे थे, and now एक सॉफ्ट गजल सिंगर। अरे नाना पाटेकर और पंकज उदास का कॉम्बिनेशन हो आप सर जी। You are a living legend sir। तो living ही रहने दो, मारते क्यों? कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो आपकी फैमिली का ख्याल मैं। मेरी फैमिली का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही देना, समझे? मैं उस एंगल से नहीं कह रहा था। तो कौन से एंगल से? अगर कुछ हुआ भी तो ये देश के लिए आपका बलिदान होगा। अच्छा, और बच गया तो? फिर वो आपकी बीवी का बलिदान होगा। ठीक है चलो, फैमिली में से कोई तो देश के लिए काम आया। ठीक है, मैं करूंगा, ये रोल मैं निभाऊंगा, करूंगा मैं। इंडिया मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं इंडिया, मैं आ रहा हूं इंडिया, मैं आ रहा हूं इंडिया। अरे चेहरा छुपा के कहां जा रहे हो जल्दी जल्दी? ये वर्दी ने हमको निकम्मा बना दिया हल्दी, वरना हम भी आइश कर रहे होते जल्दी जल्दी। ये गुड नाइट रे, मजा कर। शबनम 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 कहां मर गई? कौन मर गई? कौन किसको मारेगा? कौन मारेगा मुझे? कौन हो तुम? तुम कौन हो? हल्दी हसन। कयूम भाई ने बुलाया तेरे को? कयूम भाई ने बुलाया? तो मैं हल्दी हसन नहीं हूँ। तू हल्दी नहीं है तो कौन है? अरे आप समझे नहीं, मैं हल्दी हसन ही हूँ। हल्दी डाले कितनी देर लगा दी, कहाँ थी तुम? बच्चों तो हल्दी कहाँ है? ये हल्दी नहीं है क्या? अरे मैं हल्दी हसन ही हूँ भाई, हल्दी हसन ही हूँ। अर्ज किया है इरशाद, इरशाद। अरे शेर नहीं सुना रहा हूँ, इजाजत मांग रहा हूँ, दो मिनट बेगम से बात करके आ रहा हूँ, जल्दी आना। चलो, रोल के बहाने ज्यादा गले लगने की जरूरत नहीं, समझी? मचू ये सब क्या है? हल्दी का सामान कहाँ है? वो सब छोड़ो, हल्दी कहाँ है? मर गया। मर गया कैसे? लेकिन तुम तो यही चाहती हो ना कि उसके बदले मैं मर जाता। छी छी, मरे आपके दुश्मन? दुश्मन? दुश्मन तो मेरा एक ही है, अर्जुन रॉक का एजेंट। उसने तुम्हें दिल्ली से सीक्रेट मैसेज भेजा था ना कि जब जब सर जमीन। अब पता चला वो रोज रोज इस डालो पे उठ के तुमसे मिलने आता है। फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि वो आपकी एक्टिंग की वजह से नहीं मुझसे मिलने के लिए उठता था। हाँ यार, मैं तो साला खाम का मेरी टैलेंट को कोस रहा था। नहीं तो क्या, मैं ना हमेशा कहती थी यू आर द बेस्ट, नेवर डाउट योरसेल्फ। यस,
आज इतना लाड़ क्यों लड़ा रही हो? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच में क्या चल रहा है? तो सुनो, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे पति हैं, लेकिन भारत मेरी माँ है। मैंने शादी भले ही आपसे की हो, लेकिन प्यार अपने देश से किया है। इस वक्त सिर्फ मिशन की सोचो। बोलो यहाँ क्यों आए हो? डुप्लीकेट फाइल कहाँ है? देश का खतरा तो टला, लेकिन अब मेरा खतरा शुरू। कयूम के पास जा रहा हूं, उसने अगर पहचान लिया तो मैं जान से गया। ऑल द बेस्ट मज्जू। ऑल द बेस्ट अपने आप से कहो बेगम। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं, समझ लेना, तुम दोनों को माफ कर दिया। लेकिन अगर मैं जिंदा वापस आया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नो। दुबी जी, अब क्या करेंगे? इसे कहते हैं एक मुर्दे की बॉडी लैंग्वेज। हाँ, मरने के बाद भी रोल में घुसा हुआ है। दुबे प्लीज, इस लाश का कुछ करना पड़ेगा। अरे करना क्या है, यहीं कहीं छुपा देते हैं, मेकअप रूम के नीचे, बालकनी के पीछे। और सर, ये लाश है अनार के लेनी, जिसे दीवार में जिंदा चुनवा दे, इसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। अरे बावड़ो, लाश को हम बाहर लेके जाएंगे तो ससुरे पुलिस वाले हमें अंदर कर देंगे। दुबे जी, मिर्जा की लाश। एक और लाश है यहाँ पे, तुम लोग बताते भी नहीं, अब हाउ विल आई मैनेज? अरे मिर्जा की लाश हमारा ड्रामा था। उसमें मिर्जा नाम के एक आदमी की लाश को हम हैदराबादी शायर का ड्रेस और पैर में स्केट्स के जूते पहनाकर सारे शहर में घुमाते थे और गार्डन में छोड़ देते थे। कुछ भी नहीं था लेकिन तेरा सहारा था, जो कुछ भी था वो सब कुछ, वो सब कुछ लूटा हुआ है, लूटा हुआ है। ए ए ए, रुक जा। ए ए, क्या रे तुम लोग रात को काय को भटक रहे? ला गवर्नमेंट का धामा दे क्या? क्या बात करते जनाब, चाचा जान बहुत बीमार है साहब। क्या क्या बीमारी है? इनको रात को नींद में चलने की बीमारी है साहब। हाँ, कसम तामिनाना की, एक बार नींद में ट्रेन में बैठ को आगरा चले गए। देखा। मैं सब संभल के ले जाने, इनको संभल के जाना। ए, एक मिनट, पैर में स्केट का जूता काय को पहन रहे है? क्या बोले साहब, नींदा में है ना, जहाँ पैर पड़ा वो पहन लिया, एक बार पायल पहन लिया और सारी रातों को नाचे रहे गोल गोल, है ना चाचा जान? इसका हालत भी अपना गवर्नमेंट का माफी के देखो, आजादी से लेकर आज तक ऐसा नींद में चल रहा है, नींद में चल रहा है। जाओ, हंसना नहीं, उधर जाओ, इधर कर्फ्यू लगेला है, कर्फ्यू में हंसने का नहीं, जाओ, समझा ना? भाई बोल रहा हूँ दुबई से। डॉन भाई, सलाम भाई। कल सेंट लुईस जा रहा हूँ चॉकलेट बांटने के लिए। चॉकलेट काय को भाई? चॉकलेट बोले तो आरडीएफ जड़े। जी भाई, कश्ती से जिधर आप उतरेंगे ना, पास में नाटक का थिएटर है, बस उधर ही आपका मीटिंग फिक्स कर दिया मैंने भाई। वही थिएटर जिधर अपन बम फोड़ा था ना? अभी आजकल उधर कोई नहीं आता भाई। थिएटर में कोई नाटक नहीं होना मांगता। ओके, सलाम भाई। आइए हल्दी भाई, आइए, तशरीफ लाइए। कयूम भाई, पार्सल लाएला है। जा भाई, भाई हल्दी हसन। अरे हल्दी, गले लग जा जल्दी। अरे अभी तक तो तेरा सिर्फ नाम सुना था रे, आज देख भी लिया रे। नाम तो आपका भी कम बदनाम है क्या?
कयूम केवल मौत का लेबल। अरे एकदम झक्कास। मैंने अभी अभी सेम ऐसे ही किया था, सेम एक्टिंग, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम। बॉडी क्या रे? बॉडी क्या बोला तू? अपना बॉडी के साथ क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं फर्स्ट क्लास। अभी जान दे तू। चलिए बता कि एरिया में सरकारी रॉ का कौन कौन जासूस है? तेरे पास तो कोई फाइल वाला है ना? खुफिया मैं होटल में भूल गया भाई, मैं लेके। सुन सुन सुन, होटल में और क्या क्या रख रखा है? और कुछ नहीं है। सुना कोई शबनम नाम की लड़की वेट कर रही है तेरा? बोले तो बहुत सेक्सी आइटम है। देखो भाई वो सेक्सी है, सेक्सी है, लेकिन ये चीची आइटम वाइटम नहीं है। प्लीज, एक संस्कारी घर की नारी है। अरे घंटा संस्कारी, सुना उसका दिल्ली में कुछ जवान छावा है। अफवाह है, सरासर अफवाह है ये। वो तुलसी किसी के आंगन की सर, सीधी सादी शादी शुदा औरत है वो बेचारी। अरे काहे की शादी शुदा, सब पानी को बुदबुदा, किसी थकेले बुझेले एक्टर के साथ फंस गई ली वो। अरे वो जवान बदन, ये उजड़ा चमन साला। बुझेला नहीं है वो, महान एक्टर है वो, और लाउड तो बिल्कुल नहीं है, मैं सबको बोल देता हूँ। चुप, तूने वो उसका नाटक देखा है मुगले आजम? साला अकबर का रोल करता है, ऐसा चिल्ला चिल्ली करता है, माँ कसम जैसे औरत बच्चा डिलीवर कर रही है। सुनो, डायलॉग डिलीवरी करना ना बच्चे की डिलीवरी जितना ही मुश्किल है, बेजान किरदार में जान डालनी पड़ती है। तुम जान लेने वाले लोग क्या समझोगे? आला, तू तो एकदम उसके माफी की बोल रहा है रे। ए, जरा जरा उसके जैसा दिखता भी है तू। कसम से अगर मैंने दोबारा उसे देखा ना चिल्ला चिल्ली करते स्टेज पे, तो उड़ा देगा साले को, समझा? नहीं करेगा भाई, वो आज के बाद ऐसी एक्टिंग नहीं करेगा, मैं समझाऊंगा उसको, मैं, मेरी गारंटी, नहीं करेगा वो ऐसी एक्टिंग, बस। चल अभी जान दे, बैठ ना, बैठ रे, बैठ आराम से बैठ। चल जल्दी, अभी तू गुस्सा छोड़ और एक झकासा गाना सुना दे, गजल है। सारे जहां से अच्छा, अच्छा चॉकलेट बांटने का है, समझा ना? चॉकलेट बांटने दुबई से आ रहे माने? अच्छा हैप्पी बर्थडे होगा। अरे साला, चॉकलेट मतलब आरडीएक्स बारूद, अपन लोग अक्खा इंडिया में धमाका करने वाले मालूम ना? तू ये भाई लोग की मीटिंग में बैठ के गजल सुनाने का है, अच्छा सा गाना, ऐसा थकला नहीं, समझा ना? भाई अभी पेट में धमाका हो रहा है। एक काम कर, अभी तू जा, कल सुबह आने का, वो फाइल भी लेके आने का, और साथ में ना वो सेक्सी आइटम को भी लाने का है, है? लाएगा ना? नहीं तो तेरे को मालूम अपन कौन? कयूम केबल। कौन सा लेबल? कौन सा लेबल? मौत का लेबल। मौत का लेबल है। शाबाश, अंडरवर्ल्ड के बाहर भी मालूम। कयूम केबल, मौत का लेबल है। अभी जा, सेक्सी आइटम को लेकर आना। हेलो सर, अर्जुन बोल रहा हूँ सेंट लुइस से। हाँ अर्जुन, ऑल वेल? नॉट रियली सर। सर अभी अभी मुझे पता चला है कि कल रात दुबई का डॉन आरडीएक्स लेकर यहाँ आने वाला है। ओह माय गॉड। और अपने गैंगस्टर्स में बांटने वाला है। वी हैव टू डू समथिंग। और आप तो जानते हैं कि इधर पुलिस और अंडरवर्ल्ड। सर क्या आप दिल्ली से कुछ फोर्सेस भेज सकते हैं कल रात तक? कल रात तक वक्त बहुत कम है, बट आई ट्राई माय बेस्ट। लेकिन अर्जुन एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी भी तरह उस आरडीएक्स पर कब्जा करना होगा, किसी भी तरह, वरना देश में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। यू गॉट इट? यस सर। ए शिंदे, कयूम भाई को अभी के अभी खबर कर, वो हल्दी हसन की लाश मिली है पार्क में। ए आइटम, कयूम भाई बुलाए लाए, चल। भाई भाई वो आई लिए, कौन पुलिस, कौन लड़की आई लिए? तू फिर छुप जाना जल्दी से। कयूम भाई। हेलो भाई। अरे भाई नहीं बोलने का है, प्लीज प्लीज
हाय नहीं बोलने का। आप आपने मुझे क्यों बुलाया? एक बुरा न्यूज देने का था। डॉन भाई को कुछ हुआ दुबई में? उन्हें किधर कुछ होता है, वो आपका हल्दी हसन है ना। पकड़े गए, ईमानदार आदमी की कोई वैल्यू नहीं है इस देश में। अरे पूरा सुन तो ले, पकड़े नहीं गए, छूट गए रे। छूट गए मतलब? छूट गए बोले तो जिंदगी से नाता छूट गया रे, ऑफ हो गए। चल बस ये रे। ओह नो, कब कैसे कहां? आज सुबह पार्क में उनका मरा हुआ डेड बॉडी मिला रे। मॉर्निंग वॉक को गए थे, लाइफ का इवनिंग वॉक हो गया रे। कल रात को तो कितने खुश थे। अरे खुश क्यों नहीं होंगे, आप जो थे साथ में कमरे में, वो भी अकेली। हाँ कल रात मुझे कह रहे थे स्टार बनाऊंगा, आज खुद ही स्टार्स के पार चले। अरे मेरे को बोला इधर आऊंगा दोपहर में लंच के वास्ते। बहुत गलत हुआ। अरे गलत बोले तो कितना खाना ऑर्डर किया, अभी सब वेस्ट जाएगा ना। आप खा के जाना, वेज की नॉन वेज। मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। अपुन चक्कर चलाएगा ना, हल्दी गए तो क्या हुआ, अपुन बनाएगा ना तेरे को स्टार। आप भी किसी को बोलने का नहीं है, डॉन भाई दुबई से आज रात को इधर सेंट लुइस में आने लाया, अपुन मिलवाएगा ना तेरे को उससे, चांस दिलवाएगा फिल्म में। बस एक बार मेरे साथ तू। नहीं। अरे डरने का नहीं रे, अपुन कयूम केवल अंदर से एकदम कोमल। मैं आपसे नहीं अपने पति से डरती हूँ। अबे उस साले को तो मैं वैसे ही उड़ा देगा, उसने ओवर एक्टिंग कर करके मेरे भेजे का भुर्जी बना दिया, मैं छोड़ेगा नहीं उसको। तो मैं कल आती हूँ ना भाई, बाय बाय बाय। अरे भाई नहीं बोलने करे आइटम। कयूम केबल। हाँ सलाम अलैकुम कयूम भाई, हल्दी हसन बोल रहा हूँ। हल्दी हल्दी हसन बोल रहा है तू? हाँ भाई। हल्दी हसन खुद बोल रहा है? अच्छा मैंने सुना वो शबनम आपके पास आई थी, वो है कि चली गई? अरे वो तो यही है और चली भी जाएगी, लेकिन तू कहाँ है हल्दी हसन जी? मैं भाई बाहर से बोल रहा हूँ, आपके वहाँ पढ़ता हूँ शाम को फाइल लेके। अबे शाम को क्यों, अभी आना जल्दी आजा, बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा मैं तेरा। ठीक है भाई अभी निकलता हूँ मैं, खुदा हाफिज भाई। इसका मतलब मार्केट में दो दो हल्दी घूम रहा है, एक असली और एक नकली। ए चुगनिया चले जल्दी से पुलिस चौकी जा और कैसा भी करके असली हल्दी का मुर्दा लेकर आ। और साला नकली का मुर्दा तो मैं बनाएगा। कोई है? अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, हम लोग हैं छुप कर बैठे यहाँ पर, डॉन आने वाला है। मजूमदार कहाँ है? ओ जी डॉन तो भारी, वो फिर से कयूम केबल से मिलने गया है, अभी आता ही होगा। हल्दी के गेटअप में? हाँ। ओ माय गॉड, इस बार वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट है, एक्स्ट्रा दाढ़ी मूछ भी लेके गया साथ में, ही विल मैनेज। लेकिन अर्जुन वो वहाँ गए क्यों है? उनकी जान को खतरा है वहाँ। कैसे? क्योंकि कयूम को असली हल्दी की मौत का पता चल चुका है, वो सब जान जाएगा, समझाओ इसे प्लीज। अर्जुन प्लीज कुछ करो, मजूमदार को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन अर्जुन प्लीज उसे बचा लो। डोंट वरी डोंट वरी, कुछ नहीं होने दूंगा। भाई वो आ गया भाई, लेकिन अब तो क्या मूड में भाई, प्यार से नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, आज के मूड के हिसाब से गाना एकदम सही है। हा? भाई आपको भी एक आध घंटा ऐसे गाना गाना चाहिए, आपके धंधे पर स्ट्रेस बहुत होता है ना। अरे अपनी औकात किधर, म्यूजिक गाने की मिर्ची साहेब। हल्दी हल्दी एक ही बात है, कभी नाम बदल जाता है, कभी चेहरा बदल जाता है। आप जरा अंदर बैठेंगे, अब दो मिनट में आता है। ठीक है सारे गम पा 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 गम रे, गार मेरे संग मेरे साजना, गार मेरे संग मेरे साजना, सारे गम पा। अब जिंदा है? मुझे तो लगा कि अब हल्दी भाई, हे हल्दी भाई प्लीज प्लीज मुझे ऐसा मत देखिए। भैया क्या टाइम पर चल रहे हैं? अभी लाश देखेगा ना अंदर तो फटके बोरी बंदर हो जाएगी, दो मिनट में सब उगल देगा हरामी।
इस बार बचा ले, बाद में सच्ची झूठी लाउड सटल गरिया बार कभी एक्टिंग नहीं करूंगा। ओके, ओके। अरे मियां, कितना वक्त लगेगा आपको? मुझे रियाज के लिए जाना है भाई। क्यों, बोर हो गया है? अरे नहीं, लेकिन अंदर किसी ने मेरे साथ बड़ा ही भद्दा मजाक किया है, बेहुदा किस्म का। अंदर एक शख्सियत लेटी हुई है जो हूबहू मेरे जैसी दिख रही है। हाँ, तेरा डुप्लीकेट हा? जी, अब तक तो सिर्फ मेरे गजल के डुप्लीकेट कैसेट्स बनते थे, अब तो पूरा का पूरा इंसान। छी, ये पायरेसी कहाँ जाके रुकेगी है? अरे बहुत श्याणा है ना तू, चल चल हा? चल चल श्याणा, चल अंदर चल। क्या कर रहे हो मियां, क्या कर रहे हो? अरे ये भी हल्दी, तेरे को क्या लगता है? लगता है हम दोनों में से कोई नकली हो सकता है। कौन हो सकता है नकली है? मेरे को लगता है तू है नकली। ए, सच बता, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? बहुत टाइम हो गया। हाँ। 5 मिनट हो गए। तुम इसका महीनों से पीछा कर रहे हो, वरना ये बाल और दाढ़ी इतनी जल्दी नहीं उग जाती। शाबाश। क्या सोचा है यार? ये भी हो सकता है कि मेरी दाढ़ी नकली, ये भी हो सकता है। येड़ा समझता है अपन को, उसकी दाढ़ी भी तो नकली हो सकती है। चल खींच के चेक कर, चेक कर। जी नहीं, मैं लाश के साथ खिलवाड़ नहीं करता। अब भी मालूम पड़ेगा। ये नकली निकला। अरे हल्दी भाई, मिस्टेक हो गई, ये तो साला नकली निकला। खींचना मेरी दाढ़ी, खींचना। मुझे कैसी बात कर रहा है? मुझे तो शुरू से मालूम था कि यह नकली है। डॉन भाई का दोस्त पे तूने शक किया, तूने मेरी दाढ़ी पे शक किया, मेरी नीयत पे शक किया, मेरी रूह पे शक किया। संगीत की तौहीन है। अली भाई, ए सॉरी बोलो ना। ए हट रे, कयूम केबल का अड्डा यही चे क्या? ए अपुन कयूम, अब तुम कौन? गुंगा भाई है ये, डॉन भाई का स्पेशल बॉडीगार्ड है। ए अपने को लगता है इधर भाई का जान खतरे में है? डॉन भाई को कुछ नहीं होगा, मैं है ना, कुछ नहीं होगा डॉन भाई को, मैं बोलता है। सुना इधर कोई नकली गजल सिंगर बन के घूम रहे लाए? ए यही है, यही है रे, पकड़ रे, पकड़ रे, पकड़। मैंने चेक किया, मेरी बात, मेरी। अरे आप नहीं बोल रहे, मुझे तो बोलने दो। वो प्लान सब सॉल्व हो गया है, प्रॉब्लम, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आप लोग लेट हो, लेट हो। मैंने चेक क्या? रे कयूम, इधर कोई नकली दाढ़ी लगाकर घूम रहे लाए और तू चेक भी नहीं कर सकता? क्या क्या काम छोड़ भाई, मेरी बात सुनो। वो तू तो गया, तू तो गया, तू तो गया। गुगो बोला रे, बोला रे गुगो। इसमें देख, इतना खुश काय को? चल नकली दाढ़ी को लेके निकल, चल भाई, चल साले, चले चल चल। अबुन कयूम केबल, कयूम केबल नॉट रिलायबल, बोलना पड़ेगा डॉन भाई को, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ए भाई सुनो रे, ए भाई, डॉन को नहीं बोलने का। सुनो, कुछ भी हो जाए हमें आरडीएक्स पे कब्जा करना ही पड़ेगा। कम ऑन, हजारों की जान खतरे में है। अरे क्या? लिसन, आई हैव अ प्लान। अरे छोड़ो ना यार, क्यों हमें और उल्लू बना रहे हो? मैं क्यों बनाऊं? आप लोग ऑलरेडी उल्लू हो। जी, उल्लू होगा तेरा ससुर। रिलैक्स, उल्लू का मतलब उल्लू पंछी। आप लोग आउल की तरह अंधेरे में देख सकते हो। जरा सोचो, ड्रामा में दो सीन के बीच में आप लोग चलते हो, दौड़ते हो और सीन बदलते हो, कॉस्ट्यूम चेंज करते हो, और वो भी सिर्फ 30 सेकंड के अंधेरे में। वैसे अंधेरे में मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि उन 30 सेकंड के अंधेरे में आप लोग उन गुंडों से ज्यादा पावरफुल हो। सो अस्थि डॉन आया, हमने मेन स्विच, बिजली की मेन स्विच बंद कर दी, फेड आउट। वी हैव 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, इन कम्स कानू। कानू आता है एज नकली डॉन, लकी डॉन पे हमला होता है, हमला होता है, गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी में डालते हैं, आर्ट एक साथ हम चले जाते हैं, दैट्स इट, खेल खत्म, इट्स गॉन, इट्स डन। पूरे इतिहास में जो किसी एक्टर ने नहीं किया,
आपको आज कर दिखाने का चांस है। कम ऑन। और वैसे भी कौन सी ग्रेट जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, हर रोज डर के मारे थोड़ा थोड़ा मरते ही है ना। कभी अच्छा रोल मिलेगा नहीं मिलेगा उसका डर, फिर ड्रामा चलेगा नहीं चलेगा उसका डर, फिर ये मुट्ठी भर ऑडियंस और चुटकी भर क्रिटिक से उनकी गालियों का डर। अरे मैं तो कहता हूं कि छोड़ो इन सब छोटे छोटे डरों को, एक बार मौत के बड़े डर को गले लगा लो, सिर्फ एक बार, ये बाकी के डर अपने आप भाग जाएंगे। कम ऑन गाइस, कम ऑन, डोंट जस्ट बी ग्रेट एक्टर्स, बी ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स। कम ऑन, लेट्स परफॉर्म द रियल प्ले। कम ऑन डार्लिंग। डार्लिंग डारिंग डेरिंग, हिम्मत, आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि देश के लिए रेडी। मैं शार्प 9 बजे होटल में पहुंचूंगा तुम्हें लेने के लिए, और वो कयूम कितनी भी कोशिश करे तुम उसको पास मत आने देना, ठीक है? आफ्टर ऑल तुम एक शादीशुदा औरत हो, करेक्ट? यस, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल, सब जानती है, बाय हार्ट है बेचारे को, ऐसी गाय जैसी बीवी पे कोई शक कैसे कर सकता है। चले हाँ? चले हाँ। सुनो, अपना ख्याल रखना। देखो अगर मुझे कुछ हो गया ना तो ये है ना, ये भी वापस नहीं आएगा। ओके, ऐसा मत कहो प्लीज, तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा पड़ी है? कैसी बात कर रही हूँ मंजू, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। रियली? लेट्स गो। ए, आखिरी बार गले नहीं मिलना है? क्यों नहीं? मुझे नहीं, मुझे नहीं, उसे, उसे। शब्द बात 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 बात, वो सिर्फ मरने जा रहा है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ओके, गुड बाय मिसेस मजुमदार। बाय मिस्टर मजुमदार। आपको कहा, आपको। ओके बाय। चलो। हे भगवान, मेरे चाहने वाले की रक्षा करना। थैंक यू। सलाम भाई, सलाम भाई, सलाम भाई, सब ठीक ठाक? सलाम भाई, सलाम, सलाम भाई, सलाम भाई, होशियारी से सब को भाई, डॉन, डॉन, सलाम भाई, अपुन कयूम केवल। चुप, सुन, अंदर में भाई लोग को समझाने जाता है, लेकिन अभी भी मेरे को टिप मिला, यहाँ पे खतरा है, चांस नहीं ले सकते। तू मेरे गाड़ी से आरडीएक्स के बॉक्स निकाल और होटल पे लेके जा, मैं तेरे को वहीं आके मिलेगा, समझा? ठीक है भाई। अपुन भाई के आने का इंतजार करेगा, उधर शबनम होटल में मेरा इंतजार। हमारा भाई, भाई लोग, भाई लोग, खामोश, मेरा प्लान ध्यान से सुनो। तुम लोग को आरडीएक्स मिल जाएगा, पूरे मुंबई में धमाका होना चाहिए, पूरा सिस्टम मिला देंगे। ए, क्या हुआ? दरवाजा बंद। ए कासम, कोई नहीं लेगा, दरवाजा बंद करो। भाई आप ठीक तो हैं? भाई संभल के, संभल के, अपुन है ना भाई, भाई सब ठीक है भाई। नकली डॉन, नकली डॉन, नकली डॉन, नकली डॉन। तू तो गया रे भाई, अब तेरा गेम खत्म। ए भाई क्या बना? गेम तो अब तेरा खत्म होगा शाने। ए, मेरे भैया पे गन उठाता है, हमारे भाई जान पे हमला। चल चल, आज देख ले, चल आगे। इधर भाई की गाड़ी तैयार करो, तैयार करो गाड़ी। भाई के ऊपर हमला, जान की जान खतरे में है। ओके, और कोई हो सकता है यहाँ पे, नजर रखो, हम जा रहे हैं। ओके, कम ऑन, पता नहीं चला। अरे अंदर जा, भाई पे हमला हुआ है, जा जा। लेट्स गो, लेट्स गो। अर्जुन, मैंने वो आरडीएक्स कभी देखा नहीं है, वो कैसा होता है? देखो देखो, पीछे होगा। अच्छा, सीट के नीचे देखो। नहीं है, इधर नहीं है, इधर तो कुछ नहीं होगा। नहीं, व्हाट डू यू मीन? नहीं है आरडीएक्स? नहीं है? आर यू श्योर? अगर आरडीएक्स इस गाड़ी में नहीं है, इसका मतलब है आरडीएक्स कयूम के पास है, क्योंकि आखिर में वही डॉन को मिलके गया। कयूम केवल की जान,
अरे अपुन तेरे को जबान दिया था तो समझ ले कि तू बन गई स्टार। आजा कर ले प्योर। अगर कोई आ गया तो? अरे कोई नहीं आएगा ये, पर अगर कोई आ भी गया ना, कसम से जिंदा वापस नहीं जाएगा। छोड़ो प्लीज। आप आ गए, छोड़ो मुझे। दोन भाई, आप भी इसके साथ? ये तो कॉमन आइटम निकली भाई। अपन से कुछ नहीं किया भाई। भाई देखो, आई कसम अपन को बहन भाई बोलती है। ए भाई बोलना, ए बोलना भाई जल्दी से। ए अरे बोलना होता है तो भाई नहीं बोलती है। तू बोलना गद्दार। अपन गद्दार नहीं है भाई, अपन एकदम लॉयल है भाई। कयूम केवल एकदम लॉयल है भाई। ये देखो, इतना आरडीएक्स पूरे शहर को तबाह कर सकता है। ये आरडीएक्स, ये तो कॉफी पाउडर जैसा लग रहा है। तो दूध में डाल के ट्राई कर ले मजुमदार। यार मैं दूध नहीं पीता हूँ, एलर्जी है। कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। शबनम कहाँ है? चलो ठीक तो कम ऑन। मच्छू अर्जुन फॉरगेट इट। ए भरत मिला बाद में करना, चलो यहाँ से। दुबे समुंदर की ओर। Shut up, guys. वक्त बहुत कम है. Come on, come on, get out of the car. Come on, come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. Come on, come on, go. Damn it, police. Chup jao, chup jao. Hey, stop. Hold your fire. Stop. साला भाई के सामान को लेके जा रहा है. चले. Stop. Yeah. अरे नकली है तुम्हारी. Oh, sorry. भूल गए. तुम लोग उस बोट पे जाओ, I'll cover you. ठीक है? Go, go, come on, go, 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 go. चलो जल्दी exit कर सब लोग. Go, 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 go. Move, 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 move. Patel, Patel, move. तुम लोग throw the RDX in the water. पानी में फेंको. मजुमदार मंजू वंदे मातरम। कलाकार जो हंसा सकते हैं, कलाकार जो रुला सकते हैं, और वही कलाकार देश को बचा भी सकते हैं। आरडीएक्स को नष्ट करने जैसा काम भी इन कलाकारों ने करके दिखाया। जी हाँ, प्लीज वेलकम मिशन मुगले आजम की बहादुर अनारकली शबनम मजुमदार। और जवान वो ऑफिसर अर्जुन रस्तोगी। थैंक यू दोस्तों, आज मैं एक महान कलाकार का नाम लेना चाहता हूं जिसके बिना यह मिशन सफल नहीं हो सकता था, जिसने शरीर पे गोलियां खाई लेकिन मिशन सफल किया, जो देश के लिए शहीद हो गए। हो गए होते, शहीद हो गए होते, पर बच गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर उदय शंकर मजुमदार, जो देश के महान कलाकार शबनम के पति हैं।
नमस्कार। आज बस इतना ही कहना है, ऐ वतन, हर दौर हर युग में यह मजूमदार तेरे लिए तैयार है। आप सबसे भी यही अपील है, जब जब सरजमीन हिंदुस्तान पर दुश्मन के कदम बढ़ेंगे तब तब तीन तीन उठे। जब